व्हाट्सअप गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बूटस्ट्रैप स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ उतना सिखाऊंगा जितना आप लोगों को वेबसाइट्स, ब्लॉग, रिस्पॉन्सिव डिजाइन या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन करने के काम आएगा। अब यार, रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है? अच्छा, उससे पहले एक बात बता दूं, या जो कुछ भी हम अभी पढ़ने वाले हैं उसका जो पूरी समरी है एक चीट शीट के रूप में मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर एक पीडीएफ फॉर्म में दूंगा। उसको कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। उससे एक डॉक्यूमेंट में मैंने अपनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और 8 साल का एक्सपीरियंस जो है मानो पैक कर दिया है, तो यार उसको डाउनलोड करना। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र खोलूंगा और जाऊंगा getbootstrap.com पर। जैसे ही मैं getbootstrap.com पे जाऊंगा, आप ये देखिए यहाँ पर जो है ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट खुल गई। तो यार यहाँ पर आप लोग को बताएगा कि इंस्टॉलेशन किस तरह करना है। बूटस्ट्रैप CDN, CDN में आप लोगों को बता दूं होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी कि किसी दूसरी वेबसाइट से बूटस्ट्रैप आती है और हम इसी को इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या इस सबको छोड़ते हैं और जाते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स में, और जैसे आप लोग एग्जाम्पल्स में जाएंगे तो यार सबको छोड़ते हैं और जाते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में, और जैसे ही आप लोग डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे यहाँ पर आप को एक स्टार्टर टेम्पलेट मिलेगी। यहाँ पर डॉक टाइप से लेके HTML तक आपको सब कुछ कॉपी कर लेना है। और मैं भी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल के नाम से। इस फोल्डर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर मैं भी क्या करने वाला हूँ, एक नई फाइल बनाने वाला हूँ। अपना सारा कंटेंट जो है मैं इस फाइल में पेस्ट कर दूंगा और इसको फाइल सेव एज करके इसी लोकेशन में index.html के नाम से मैं सेव कर दूंगा। अब मैं इसको बंद कर दूंगा यहाँ से और index.html को खोलूंगा। जैसे मैं खोलूंगा आप लोग देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया है, यानी कि हमने बूटस्ट्रैप की बेयर मिनिमम वेबसाइट बना ली है। मैं अपनी पुरानी फाइल को यहां से डिलीट कर दूंगा और ये index.html इसको नोटपैड में खोलूंगा और यहां बूटस्ट्रैप में कहीं पे भी जाके यहां पर कंपोनेंट्स में कुछ भी पेस्ट करके एक बार देखूंगा कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है। यहां पर अभी मैं इस सब को आपको बताने वाला हूं, लेकिन सिर्फ चेक करने के लिए मैं रैंडम कोड डाल रहा हूं। इसको करा कॉपी और यहां बॉडी के बाद इसको पेस्ट कर देता हूं। कंट्रोल ऐसे सेव करने के बाद आप लोग जैसे इसको रिलोड करेंगे देखिए यहां पर ये सारा आ गया है। अभी हम इसको सही से जो है एक्सप्लोर करेंगे, आप लोग चिंता मत करिए। ये सिर्फ मैंने आप लोग को ये दिखाने के लिए किया कि बूटस्ट्रैप चल चुका है। अब आते हैं अपने पुराने सवाल में कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी कोड विद हैरी की वेबसाइट पे जाऊंगा जो कि बूटस्ट्रैप 3 में बनी हुई है, लेकिन अभी मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूं बूटस्ट्रैप 4 का। रिस्पॉन्सिव डिजाइन बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप लोग देखिए, अगर मैं इसकी जो है विड्थ को चेंज कर दूंगा, यानी कि मैं कुछ ऐसा कर दूं देखिए ये अपने आप मोबाइल के लिए एडजस्ट हो गई, और अगर मान लीजिए मैं इतनी बड़ी टैबलेट यूज कर रहा हूं तो आप लोग यहां पर देखिए टैबलेट के हिसाब से एडजस्ट हो गई। जितने आने वाले हैं यहां पर उतने आएंगे यहां पर आइकन्स, और यूजर को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, चाहे वो मोबाइल से आए, चाहे वो टैबलेट से आए, चाहे वो बड़े से कंप्यूटर पे आए, किसी भी तरह वो आपकी वेबसाइट को विजिट करे उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। तो यही होता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। देखिए यहां पर पहले आ रहा था नेविगेशन बार और इसको आपने छोटा कर दिया तो यहां पर हैमबर्गर आने लग गया। यही होता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। मैंने जब ये वेबसाइट बनाई थी तब बूटस्ट्रैप 4 इतना कॉमन नहीं था, वो अल्फा वर्जन में था, तो मैंने क्या किया था बूटस्ट्रैप 3 यूज करके बना ली थी। मैं नहीं कह रहा हूं बूटस्ट्रैप 3 में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जो बूटस्ट्रैप 4 है वो बेटर है, और आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्यों बूटस्ट्रैप 4 बेटर है। और आज की तारीख में अगर आप लोग बूटस्ट्रैप लर्न कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप 4 फ्रंट एंड या फिर बूटस्ट्रैप सीखने का एक बहुत ही आसान सा और सिंपल सा तरीका है। इसीलिए मैं अपनी वेबसाइट को बूटस्ट्रैप 4 में बहुत जल्दी अपग्रेड करने वाला हूं। आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि अपग्रेड करने के बाद मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखने वाली है। अभी मैं इस पे काम कर रहा हूं साइड बाय साइड, और जैसे ही वेबसाइट बन जाएगी इसमें लॉगिन और साइन अप सबके ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं, ताकि लोग यहां पर साइन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे, और जो भी लोग यहां पर 50 से 40 लोग जो शुरू में साइन अप करेंगे उनकी मैं प्रोग्रेस पर्सनली ट्रैक करूंगा। अब यार होता क्या है कि बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनको सही से सिखा नहीं पाता हूं, वो सवाल पूछते हैं मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, और यार चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है यार, ताकि मैं कुछ लिमिटेड लोगों की प्रोग्रेस को सही से ट्रैक कर सकूं और उन लोगों को प्रोग्रामिंग सीखने की अच्छी दिशा दिखा सकूं। इसलिए मैंने सोचा है कि यहां पर जो सबसे पहले साइन अप करेंगे कुछ लोग उनको मैं पर्सनली सिखाऊंगा। और अगर आप लोगों को सबसे पहले साइन अप करने वाला इंसान बनना है तो आप लोग को मुझे सारे सोशल मीडिया में फॉलो करना पड़ेगा। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यानी कि कोड विद हैरी का जो फेसबुक पेज है, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग जाकर वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिए। और चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, लेकिन मैं रैंडमली कहीं पर भी अनाउंस कर दूंगा, इंक्लूडिंग यूट्यूब, कहीं पर भी मैं अनाउंस कर दूंगा कि वेबसाइट रेडी है और साइन अप कर दो, और शुरू में जो सबसे पहले लोग आने वाले हैं उनकी प्रोग्रेस को ही मैं ट्रैक करूंगा। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अपडेट कर दूंगा इनके सब कुछ रेडी है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना। चलो यार ये तो हुआ मेरी वेबसाइट और पर्सनल प्रोग्रेस ट्रैकिंग के बारे में। अब आते हैं वापस से अपने बूटस्ट्रैप के ट्यूटोरियल में। तो मैं क्या करता हूं, ये जो मेरी वेबसाइट्स हैं इनको कर देता हूं बंद और आ जाता हूं वहां पर जहां पर हमने यहां पर एक वेबसाइट बनाई हुई है। यहां क्वेश्चन मार्क इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कैरेक्टर जो है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है ये, तो यार ये जो कैरेक्टर इसको मैं हटा देता हूं यहां से और इसको सेव करके यहां पर फट से रीलोड कर देता हूं। यार ये वो वेबसाइट नहीं है जो हम बनाने वाले हैं, मैंने सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए बताया था। अब मैं यहां पर सबसे पहले आप लोगों की मुलाकात करवाना चाहूंगा कंसोल से। राइट क्लिक आप लोग करिए और इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दीजिए अपने क्रोम ब्राउजर के। जैसे ही आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोग यहां पर कंसोल का ऑप्शन मिलेगा। मैं यहां पर आप लोगों को रिकमेंड करूंगा फायरफॉक्स या क्रोम ब्राउजर, मैं यहां पर गूगल क्रोम यूज कर रहा हूं, रीजन उसके नाम में यार गूगल। यहां पर कंसोल में आप लोग यहां पर लिख के देखिए एक बार console.log और कुछ भी, जैसे मान लीजिए मैं अगर यहां पर लिख दूं console.log hello world और इसके बाद सेमीकोलन लगा के एंटर मारूं तो देखो यहां पर हेलो वर्ल्ड आ गया है। यार मैंने बाय द वे जावा
स्क्रिप्ट का एक पूरा एक घंटे का वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं सिर्फ एक फ्रंट एंड सीखने के लिए कि सिंपल सी जो फ्रंट एंड की वेबसाइट है बहुत आसानी से बन जाए, यार बूटस्ट्रैप होता इसीलिए है कि आप लोग को सीएसएस जावास्क्रिप्ट के अंदर डीप डाइव ना करना पड़े। तो यार ये है मेरा कंसोल। मैं यहाँ पर आप लोग को एक और सजेशन देना चाहता हूँ कि अपनी सारी क्रोम एक्सटेंशन को डिसेबल कर लीजिए। रीजन सिंपल है, क्रोम एक्सटेंशन सिंपली क्या करती है, जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करती है पेज में और उसकी वजह से कुछ एरर्स आ सकते हैं। सारी एक्सटेंशन को आप लोग डिसेबल कर दीजिए जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और जब आप लोग ये वेबसाइट बना रहे हैं, ताकि आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे जैसे ये ट्यूटोरियल पूरा आगे जाता जाएगा, मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन को खोल के रखूंगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन वो सोर्स है, वो स्रोत है जहां से सब लोगों ने बूटस्ट्रैप सीखा है, चाहे मैं हूं, चाहे वो आप हो, या कोई तीसरा 30 मार्क का हो जो कि अपने आप को बूटस्ट्रैप का बादशाह कहता है, कोई भी हो इस दुनिया में उसने यहीं से बूटस्ट्रैप सीखा है, किसी ने बूटस्ट्रैप बनाया नहीं है, कोई भी बूटस्ट्रैप सीख के पैदा नहीं हुआ है, बूटस्ट्रैप किसी ने बनाया है, कुछ रूल्स बनाए और वो रूल्स यहां पर लिखे हुए हैं जिसको हम सबको फॉलो करना है। ये वीडियो सिर्फ आपको उन रूल्स में से रेलेवेंट रूल्स उठाकर और आप लोग को एक सिंपल सा अच्छा सा परिचय देने के लिए बना रहा हूं। तो यार यहां पे कंसोल को बंद कर देते हैं। अभी क्या है, मैं कर रहा हूं यूज नोटपैड जो कि कोई यूज नहीं करता आज के जमाने में। तो आप लोग एक काम करिए, अपनी अपनी नई टैब खोलिए और वहां पर लिखिए सबलाइम टेक्स्ट 3 डाउनलोड, और सबलाइम टेक्स्ट जैसे आप लिखेंगे आप लोग वहां पर जाकर इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ये फ्रंट एंड का ट्यूटोरियल है, मैंने अपने चैनल में बैक एंड के ट्यूटोरियल में जो मैंने पाइथन फ्लास्क का एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ उसमें मैंने आप लोग को ये पूरा इंस्टॉल करके दिखाया है। साथ ही साथ मैंने आपको जैम भी इंस्टॉल करके दिखाया है। तो जैम डाउनलोड आप कर लीजिए, यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए और प्रिसाइज रखने के लिए मैं यहाँ पर आप लोग को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है यार कि यार ये डाउनलोड करके कोई भी इंस्टॉल कर लेगा। PHP 7.1 जो लेटेस्ट चल रहा है जैम का वर्जन, दोनों आप लोग लेटेस्ट ही डाउनलोड करिए, वही रिकमेंडेड है। वैसे यार प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, लेकिन तब भी अगर बाय चांस प्रॉब्लम आए तो मेरी वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन की सीरीज में जाकर वो पार्ट खोज लेना जहां पर मैंने सबलाइम और जैम आप लोग को डाउनलोड करवाया है। वो मैंने कहीं यहाँ पर दूसरे तीसरे वीडियो में कराया, आप लोग जाके देख लेना। वैसे देखने की जरूरत शायद ही पड़ेगी, इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। जैसे आप लोग सबलाइम डाउनलोड कर लोगे ना, तो जैसे आप यहाँ पर सबलाइम लिखोगे स्टार्ट में क्लिक करके, आपका सबलाइम टेक्स्ट खुल जाएगा। मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कोई फोल्डर खोला हुआ है, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ओपन फोल्डर में जाऊंगा और उसके बाद अपने डेस्कटॉप में जाकर जहाँ मैंने ये बूटस्ट्रैप वाला जो फोल्डर बनाया था उसको ओपन फोल्डर कर दूंगा, या सेलेक्ट फोल्डर जो भी ऑप्शन आ रहा है। अब मैं अपने पुराने फोल्डर को बंद कर दूंगा। आप लोगों ने अगर कोई फोल्डर नहीं खोला है तो आप लोग अपना वो फोल्डर जहां पर आप ये वेबसाइट बना रहे हैं उसको खोल लीजिए। जैम्प मैंने क्यों डाउनलोड करवाया आपको अभी बताता हूँ। जैम डाउनलोड करने से बेसिकली क्या होता है, एक सर्वर बन जाता है और जो वेबसाइट्स होती हैं वो सर्वर के थ्रू ही आप लोग चलाएं वही फायदेमंद है। लेकिन ऐसे भी अगर आप लोग डायरेक्टली चलाएंगे तो चल जाएगा। मैं भी यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, index.html को खोलूंगा। देखो कितने अच्छी तरह ये हमको दिखा रहे हैं यहाँ पे कोड, और कोडिंग करने में भी मजा आएगा। अगर आप लोग अभी यहाँ से इस तरह चलाएंगे इसको तो अच्छे से चलेगी वेबसाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं सिंपल प्राइमरी अलर्ट बॉक्स की जगह अगर हैरी लिखकर कंट्रोल एस करके रिलोड करूं तो देखो यहाँ पर हैरी आ गया है, सब कुछ एकदम परफेक्ट चलेगा। लेकिन तब भी हम लोग सर्वर के थ्रू एक्सेस करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैम्प लिखेंगे और जैम्प कंट्रोल पैनल खोल के हम अपने दोनों सर्विसेज को चला लेंगे, अपाचे और MySQL। MySQL की जरूरत वैसे आपको पढ़ने वाली है नहीं, लेकिन मेरी आदत सी पड़ गई है कुछ अपाचे और MySQL दोनों चलाने की। चलो चल गया तो अभी बंद कर देता हूँ। आप लोग सिर्फ अपाचे ही चलाएंगे तो भी काम हमारा हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग डेटाबेस यूज नहीं कर रहे हैं, वो हम बैकएंड में करते हैं। इसको मिनिमाइज यहाँ से कर देता हूँ, और ये जो मेरा बूटस्ट्रैप वाला फोल्डर है ना, इसको मैं कॉपी करके अपने सी जैम HT डॉक्स इसके अंदर डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर डालूंगा, मैं इसको रीनेम करके एक अच्छा सा नाम दे देता हूँ, बूट दे देता हूँ, ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। एंटर मारता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पर अपने ब्राउजर में आके लिखूंगा localhost/boot, अब लोग यहाँ पर देखो ये वेबसाइट मेरी अब सर्वर के थ्रू आ रही है। तो ये ज़्यादा अच्छा मेथड है। अब ये जो सबलाइम खुला हुआ है वो मेरे डेस्कटॉप वाले फोल्डर में खुला हुआ है, तो आप लोग सिंपली क्या करो, इस फोल्डर को फाइल में जाकर ओपन फोल्डर करके और अपने जैम्प वाले में जाकर, यानी कि दिस PC फिर सी फिर जैम्प फिर HTDocs और फिर बूट पे क्लिक करके सेलेक्ट फोल्डर कर दो। उससे क्या होगा, आपका ये बूट वाला फोल्डर खुल जाएगा जो कि हमारा जैम्प के अंदर है। अब पुराने वाले फोल्डर को बंद कर दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर index.html को यहाँ से जैसे से एडिट करेंगे। इसे मान लीजिए हेलो वर्ड की जगह अगर मैंने हैरी एलो वर्ड लिख दिया तो आप लोग देखो यहाँ पर मुझे अपडेट मिलेगा हैरी एलो वर्ड। अब यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। तो यार अगर आप लोगों का जैम सेटअप नहीं हो पाया या सबलाइम डाउनलोड नहीं हो पाया है तो कोई टेंशन नहीं है, पीछे वीडियो करके आप लोग देख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मैं आपको फिर से बता दूँ, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि सबलाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोडिंग करना बहुत आसान होता है जैसे कि आप लोग देखेंगे। और जो जैम्प होता है वो सर्वर के काम आता है, सर्वर बनाता है, यानी कि वो कुछ ऐसा करता है कि हमारे क्रोम ब्राउजर को लगता है कि वेबसाइट किसी वेब सर्वर से आ रही है, यानी कि कोई उसको सर्व कर रहा है, यानी कि एक सर्वर हैंडल कर रहा है। इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। बूटस्ट्रैप को सिखाने
के लिए मैं अभी सबसे पहले क्या करूंगा, आऊंगा यहाँ पर गूगल सर्च मैंने किया हुआ है बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। अब यहाँ पर क्या होता है, ग्रिड सिस्टम को सिखाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस होता है। हमारे एचटीएमएल में अगर हम कोई भी एलिमेंट टारगेट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो ये मेरा एलिमेंट था डिव क्लास इज इक्वल टू मैंने लिखा अलर्ट अलर्ट सेकेंडरी, अब मान लो मुझे सिर्फ ये वाला एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा इसको एक आईडी दे दूंगा। आईडी मतलब एक एलिमेंट को अगर आप लोग को टारगेट करना है तो आईडी का यूज करिए, और क्लासेस आप लोग तब यूज कर सकते हैं अगर आपको एक क्लास बनानी है, यानी कि मल्टीपल एलिमेंट्स को कुछ एक तरह की चीज आप लोग करवानी है। जैसे मान लो आप जो मल्टीपल बटन है उनका एक कलर दे सकते हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप में कुछ क्लासेस ऑलरेडी लिखी हुई है, अलर्ट लिखी हुई है, अलर्ट सेकेंडरी। अब अलर्ट स्पेस अलर्ट सेकेंडरी का मतलब आपने ये दोनों क्लासेस दे दी है एक एलिमेंट को। आप लोग को ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बूटस्ट्रैप यूज ही इसीलिए करते हैं ताकि हमको ज्यादा डेप्थ में जाना ना पड़े। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि बूटस्ट्रैप को यूज करके आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग बिना आईडी और क्लास को ज्यादा समझे वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आ जाऊंगा अपने इस वाले एग्जाम्पल पे वापस। बूटस्ट्रैप क्या करता है कि एक पेज को 12 ग्रिड में बटा हुआ मान लेता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन 12 ग्रिड में बटा हुआ मानता है और आपसे पूछता है कि आप कितनी ग्रिड यूज करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आप चाहते हैं एक छोटा सा साइड बार हो यहाँ पर और बाकी आपका कंटेंट ऐसे हो, तो आप लोग क्या करेंगे 2 ग्रिड यहाँ की यूज कर लेंगे, उसकी क्लास आप दे देंगे कॉल एक्सेस 2 मान लीजिए आपने दे दी, और उसके बाद आप दे देंगे कॉल एक्सेस 10 देंगे तो ये पूरा यूज हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 6 यूज किया हुआ है, 7 5 यूज किया हुआ है, 4 4 4 यूज किया हुआ है, जितने भी आप लोग यूज करें उसका सम जो है वो 12 होना चाहिए। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है एंड में 2 4 4 7 ये क्या है कि कितनी ग्रिड आप लोग यूज करना चाहते हैं इनमें से पहली वाली रो में से। अब ये एक्सेस क्या होता है और एलएस क्या होता है मैं आप लोग को लेके चलता हूँ बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में, और लेआउट में जाकर आप लोग देखिए यहाँ पर ग्रिड है, ग्रिड सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। ये बता रहे हैं कि आप कितने कॉलम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर ये अगर कॉपी करें और उसको अपने आप चलाएं अपनी वेबसाइट में, मैं इसको कॉपी करके आप लोग को दिखाता हूँ। इसको मैं सिंपली सब कुछ बॉडी से मिटा दूंगा, हेलो वर्ड के बाद इसको लिखता हूं ताकि हेडिंग हमारी हेलो वर्ड हो, और उसके बाद मैं आप लोगों को इसको रीलोड करके दिखाता हूं। आप लोग देखिए ये 3 कॉलम यूज हुए और ये बीच में आ गया कंटेंट, क्यों आया उसकी बात अभी हम आगे करेंगे, उससे पहले हम लोग ग्रिड सिस्टम को सही से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर बूटस्ट्रैप यूज करता है एसएम स्मॉल के लिए, तब मैं रुकिए आप लोग को दिखाता हूँ। या ओवरव्यू में हम लोग जाकर देखते हैं, यहाँ जो बूटस्ट्रैप यूज करता है वो ब्लैंक यूज करता है एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए, एसएम यूज करता है स्मॉल के लिए, मीडियम के लिए MD यूज करता है, और LG लार्ज के लिए यूज करता है, XL एक्स्ट्रा लार्ज के लिए यूज करता है, यानी कि विड्थ लार्ज मैं कह रहा हूँ विड्थ को कह रहा हूँ, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए। अभी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा ना जब वेबसाइट, तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग को क्लास और आईडी समझ में आ गया होगा। क्लास होता है कि अगर हमको मल्टीपल एलिमेंट्स को कोई चीज देनी है, जैसे मान लीजिए कोई कलर देना है या कोई प्रॉपर्टी देनी है तो क्लास यूज करेंगे, और आईडी बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमें स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करना है, जैसे मान लीजिए कोई एक बटन या फिर कोई एक हेडिंग टैग या कोई छोटा मोटा कोई ऐसी एक चीज को पर्टिकुलरली टारगेट करना है तो आईडी यूज करते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि मल्टीपल आईडी देना पॉसिबल नहीं है, आप लोग मल्टीपल आईडी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग एक बिगिनर हैं तो आप लोग आईडी मल्टीपल ना दें। अगर आप लोगों को कोई काम मल्टीपल एलिमेंट से कराना है तो क्लास मल्टीपल दें, आईडीज को यूनिक रखें। अब आ जाते हैं कंटेनर में। यार ये कंटेनर क्या होता है, उससे पहले क्या करता हूँ टाइटल ठीक करता हूँ मैं अपने पेज का। मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कोड विद हैरी, सी कैपिटल कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं, और यहाँ से ना मैं ये हटा देता हूँ, अभी एकदम यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ हेलो वर्ड रखता हूँ। तो बेसिकली बॉडी के अंदर सिर्फ अभी हेलो वर्ड है, ये सारी जावास्क्रिप्ट है जो कि स्टार्टर टेम्पलेट से आ रही है, इसकी हमें चिंता नहीं करनी है, हमको सिर्फ इतने पोर्शन में लिखना है, जो लिखेंगे वो हमारा पेज पर आता जाएगा। कंट्रोल से मैं इसको सेव करता हूँ, आप लोग को रिलोड करके दिखाऊंगा। आप लोग देखिए टाइटल चेंज हो चुका है, अब ये हेलो वर्ड जो है ना ये काफी ऊपर चिपक गया है। अगर मैं कोई वेबसाइट बनाना चाहूँ तो सबसे पहली चीज जो मैं देखूंगा उसमें वो देखूंगा नेविगेशन बार, एक अच्छा सा नेविगेशन बार। उसके लिए बूटस्ट्रैप में आप लोग को जाना पड़ता है कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स में इनके पास नेव बार्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए नेव बार में जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर कि किस तरह ये नेव बार आप पूरा का पूरा इनका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस नेव बार को यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा हेलो वर्ड हटा देता हूँ क्योंकि अब हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, कंट्रोल से सेव करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसको रिलोड करूँगा। आप लोग देखिए यहाँ पर ये नैव बार मुझे मिल चुका है, ये नैव बार अब मेरा हो चुका है। मैं यहाँ पर अब नैव बार की जगह अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूँ कोड विद हैरी, और यहाँ पर होम और उसके बाद अबाउट और उसके बाद सर्विसेज, जो भी चाहूँ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंट्रोल से सेव करके जैसे ही रिलोड करूँगा आप लोग देखिए सारे चेंजेस आ गए हैं। एक चीज़ का मैं आप लोग ध्यान रखिए कि अगर मैं इसको रिसाइज करूँगा देखिए ऑटोमेटिकली मोबाइल
के लिए एकदम फिट है, एकदम फिट हो गया मोबाइल के लिए। तो देखिए हमारी कम से कम जो मेन चीज़ है वेबसाइट की वो बन चुकी है। अब नीचे का जो मैं यहाँ पर बनाऊंगा वो मैं कंटेनर के अंदर रखूंगा। अब कंटेनर क्या होता है बूटस्ट्रैप में मैं आप लोग को बताता हूँ। डिव टैग के बारे में सबसे पहले आपको बताता हूँ, अगर आप लोग को बेसिक HTML नहीं आती है तो मैं आपको बता दूंगा कि HTML में हमारे पास एक डिव टैग होता है। डिव का मतलब होता है एक ब्लॉक, यानी कि एक डब्बा। तो मैं इसके नीचे एक डब्बा बना रहा हूँ, ये भी बेसिकली एक डब्बा ही है, एक रेक्टेंगुलर सी पट्टी है जो कि एक डब्बा है। इसके नीचे मैं एक और डब्बा बना रहा हूँ। अब वो डब्बा मुझे किस तरह का बनाना है ये डिपेंड करता है मेरी क्लास पे। अब मैं इसको जैसे जैसे क्लास देता जाऊंगा बूटस्ट्रैप की, वैसे वैसे ही अपने आप को चेंज करता जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं अभी इस डिव के अंदर कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहीं से कुछ कॉपी करके डाल देता हूँ बूटस्ट्रैप की। मान लीजिए मैं यहाँ पर बटन्स में जाऊँ और यहाँ पर बटन्स का कोड कॉपी करके डाल दूँ। अभी मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊँगा बटन्स के बारे में भी, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये कोड कॉपी करके ये पूरी पट्टी ले रहा हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पर इस डिव के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देखिए कि ये बटन सारे के सारे आ गए हैं और ये देखिए बिल्कुल दीवार से चिपके हुए हैं। अगर मैं चाहूँ कि ये दीवार से चिपके हुए ना रहे, ये आ जाए बिल्कुल बीचों बीच, तो मैं दे दूंगा अपना क्लास इक्वल टू कंटेनर। कंटेनर क्या करता है, कंटेनर इसको बेसिकली इसकी विड्थ को जो है कम कर देगा। थोड़ी सी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या मैं मेरे कहने का मतलब है। सब कुछ बीचों बीच आ गया है सेंटर में और इसने जो है यहाँ पर थोड़ी पैडिंग दे दी है दोनों साइड। तो ये होता है हमारा कंटेनर। अब मान लो कि आप उस डब्बे के अंदर चाहते हो पूरी की पूरी विड्थ यूटिलाइज हो, यानी कि पूरी की पूरी विड्थ आप लोग यूज़ कर पाओ, तो आप लोग देंगे कंटेनर फ्लूइड। इन दोनों क्लासेस का आप लोग नोट ले सकते हैं, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड क्या करता है मैं आप लोगों को रिलोड करके दिखाता हूँ। पूरी की पूरी विड्थ को यूज़ करेगा। कंटेनर क्या करेगा, बीचों बीच रखेगा कंटेंट को। जैसे मैं आप लोग को codewizardry.com दिखाऊं तो उसमें मैंने क्या किया, कंटेनर का इस्तेमाल किया कि बीचों बीच कंटेंट रहे। मैं अभी जो अपने नए वाली वेबसाइट जो कि मैं Woodstrap 4 में बनाने वाला हूं उसमें मैं कंटेनर का यूज करूंगा, कंटेनर फ्लूइड का यूज करूंगा। सॉरी मैंने कुछ प्लान्स अपने चेंज किए हैं डिजाइन को लेकर। खैर आप लोग अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। अब मैं चाहूंगा मेरी वेबसाइट अंदर आ चुकी है तो इस कंटेनर के अंदर मैं अभी बाय द वे कंटेनर ही यूज करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं थोड़ी पैडिंग आ जाए। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करूंगा और इसको मैं पर रिलोड कर दूंगा। अब यहां पर मुझे एक प्रॉब्लम नजर आ रही है कि यार ये बिल्कुल चुपक गया है ऊपर जाके। मैं चाहता हूं थोड़ी सी पैडिंग हो, यानी कि थोड़ा नीचे आए। जो पुराने खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, BR टैग ऐड करते हैं, यहां पर BR लिख देते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप BR लिख कर इसको इस तरह ठीक करें, क्योंकि ये जो है अच्छा तरीका नहीं है इसको ठीक करने का। आप लोग इंस्टेंट क्या करें, बूटस्ट्रैप की पैडिंग वाली क्लास यूज करें। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये बूटस्ट्रैप की जो पैडिंग स्पेसिंग है ये क्या है। आप लोग एक काम करें, यहाँ पर यूटिलिटीज़ में जाएं और यूटिलिटीज़ में जाने के बाद आप लोग स्पेसिंग में जाएं। आप लोग सोच रहे होंगे मुझे याद कैसे यार कि कहाँ जाना है, मुझे एक्सपीरियंस से आया है। आप लोग पूरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग कॉपी पेन लेके नोट ले लें। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ आप लोग को जो जो पेज दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको स्पेसिंग दिखाया, तो आप लोग नोट ले लीजिए। पहले भी मैंने जो बोला उसका आप नोट ले लीजिए कॉपी में। अब देखिए मैं आप लोग को ये जो इतने बड़े में लिखा हुआ है जो कि आपको शायद एक बार में पढ़ के समझ में आए भी नहीं, उसको सही से बताता हूँ। देखो क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, देखिए मैं यहाँ पर दो चीज़ें दे सकता हूँ उस क्लास के अंदर। अभी क्लास क्या है एक बार और मैं बताता हूँ। यहाँ से BR हटा के इसको सेव करके रिलोड करता हूँ पहले। अब लोग देखिए ऊपर चला गया वापस। अब मैं इसको राइट क्लिक करके ऐसे इंस्पेक्ट करूंगा और उसके बाद ये जो कंटेनर वाला मेरा डिवाइस में आऊंगा, तो ये देखिए जो ऑरेंज दिख रहा है ना ऊपर आपको, वो मेरा कंटेनर है, यानी कि ये पूरी विड्थ को कैरी कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ, अब मैं इसमें दो काम कर सकता हूँ इस कंटेनर के। या तो मैं इस कंटेनर के बाहर कुछ स्पेस दे सकता हूँ, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ कुछ स्पेस दे सकता हूँ, या फिर मैं सिर्फ टॉप में स्पेस दे सकता हूँ। यानी कि मैं चाहूंगा कि ये जो डब्बा है पूरा ये थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाए, तो उसको कहते हैं मार्जिन। और अगर मैं चाहूं कि इस डब्बे के अंदर जो एलिमेंट है उसके अंदर से स्पेसिंग आ जाए, उसे कहते हैं पैडिंग। तो मैं एक काम करता हूँ, जरा गूगल पे सर्च करता हूँ मार्जिन एंड पैडिंग, और मैं देखता हूँ कि अगर आप लोगों को समझ में आ जाए, कोई अच्छा सा इमेज मुझे यहाँ पर मिल जाए, तो मैं आप लोगों को वो इमेज दिखाता हूँ। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर कंटेंट अंदर होता है जो कि हमारे बटन है, उसके बाहर होती है पैडिंग, और ये बॉर्डर के बाहर जो होती है यानी कि मेरे डिव के बाहर इस केस में वो होगी मार्जिन। तो यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ मार्जिन। अगर आप लोग को ये सब समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे करें वीडियो को, दोबारा सुने जो मैंने बोला। अब मैं यहाँ पर मार्जिन देने वाला हूँ, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। मार्जिन देने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा M। अब मैं मार्जिन कहाँ देना चाहता हूँ, ऊपर नीचे दोनों साइड, या फिर लेफ्ट राइट में, या फिर सिर्फ लेफ्ट में, या फिर राइट में। मैं इनमें से कहीं भी मार्जिन दे सकता हूँ। मैं भी टॉप में देना चाहता हूँ, इसलिए मैं लिखूँगा T। तो मैंने लिख दिया MT, और मैं डैश लिखूँगा कितनी मार्जिन देना चाहता हूँ। इसमें आप यूज़ कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, जैसे कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 आप लोग यूज़ कर, 0 भी यूज़ कर सकते हैं इनफैक्ट आप। तो ये क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा मार्जिन को। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 5 तक यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा,
फोर कर देता हूँ यहाँ पे, मुझे थोड़ी ज़्यादा मार्जिन चाहिए। अब मैं इसको आपको रिलोड करके दिखाता हूँ, आप लोग देखना यहाँ पर जो ऊपर से मार्जिन है वो आ जाएगी इसमें। मैंने इसको शायद सेव नहीं किया है, देखिए मैंने जैसे इसको रिलोड किया कि इसमें मार्जिन ऊपर थोड़ी सी आ गई है, ये थोड़ा कंटेंट नीचे आ गया है। अब आप लोगों ने जैसे देखा कि ये कंटेंट किस तरह मैंने इसमें मार्जिन दी, अगर मैं इसी मार्जिन को पैडिंग कर दूँ, मैं नोटपैड बंद कर देता हूँ बाय द वे, मैं अगर इसी मार्जिन को पैडिंग कर दूँ यानी कि PT4 कर दूँ, कंट्रोल एस करूँ, तो आप लोग देखिए यहाँ पर ये पैडिंग दे देगा। तो बात वही दिख रही है अभी यहाँ पर, लेकिन ये अगर आप लोग जैसे कि मैंने आपको बताया जो मार्जिन होती है वो डब्बे के बाहर होती है और जो पैडिंग होती है वो डब्बे के अंदर होती है, तो ये चीज़ें कहीं कहीं आपको डिफरेंस पैदा करेंगे। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा डिफरेंस लेकिन कई जगह आपको दिखेगा, इसलिए आप लोग बेसिक्स को ध्यान में रखें। अभी मैं इसको वापस से मार्जिन कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने टॉप में दी थी, अब मैं बॉटम में भी दे सकता था, तो मैं लिखूंगा MB4, और अगर मैं टॉप बॉटम दोनों में देना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा MY4, तो MY4 करूंगा तो टॉप बॉटम दोनों में आ जाएगी। यहाँ पर बॉटम वाली आपको नहीं दिखेगी क्योंकि कंटेंट नहीं है, तो क्या करता हूँ मैं अभी यहाँ पर इस डिव के बाद यहाँ पर हैरी लिख देता हूँ, सिर्फ ऐसे ही हैरी लिख देता हूँ, रिलोड करूँगा तो आप लोग देखिए जो हैरी लिखा हुआ है ये यहाँ पर थोड़ी स्पेस आएगी। अब मैं अगर यहाँ पर MY की जगह इसको MT कर दूँगा यानी कि सिर्फ टॉप में मार्जिन दूंगा तो हैरी थोड़ा ऊपर खिसक जाएगा, देखो हैरी ऊपर खिसक गया। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वाई लिखूंगा तो ऊपर नीचे दोनों से आएगी, मार्जिन हो या पैडिंग हो, अगर मुझे पैडिंग चाहिए तो मैं PY4 लिखूंगा, ऊपर और नीचे दोनों से आ जाएगी। मार्जिन चाहिए तो मैं लिखूंगा MY4, अब मुझे लेफ्ट राइट में चाहिए तो मैं लिखूंगा ML4 लिखूंगा तो मार्जिन लेफ्ट 4 हो जाएगी, और MX4 लिखूंगा तो लेफ्ट और राइट दोनों में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है आप लोग इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, अभी मैं इसको MY4 कर देता हूँ ताकि ऊपर नीचे दोनों से आए। इस तरह हम लोग देते हैं बूटस्ट्रैप में मार्जिन और पैडिंग। अब ये हैरी हटा देता हूँ, ये अगली से बटन जो दिख रहे हैं यहाँ पर वो भी हटा देता हूँ, नेविगेशन बार को बाय द वे मैं रखने वाला हूँ यहाँ पर, तो ये बटन हटाया, हैरी हटाया, कंट्रोल ऐसे सेव किया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कुछ अच्छी सी चीज़ लेकर आऊँगा। अच्छी सी चीज़ क्या हो सकता है, अच्छी सी चीज़ हो सकती है एक स्लाइडर। एक स्लाइडर अगर आ गया तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मैं स्लाइडर लाने के लिए क्या करूँगा, कंपोनेंट्स में जाऊँगा और उसके बाद क्रॉजल में जाऊंगा। क्रॉजल क्या होती है, क्रॉजल बेसिकली हमारी एक स्लाइड्स होती है, स्लाइड शो होता है बेसिकली। अगर मैं इसको कॉपी करके, मैं एक काम करता हूँ, इस वाले को कॉपी करता हूँ, नीचे वाले को जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर फिर इमेजेस डाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं अपने कंटेनर के ऊपर रख देता हूँ, उसके बाद कंटेनर में मैं कुछ डालूंगा। अब मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करके इसको सेव करूंगा तो आप लोग देखिए यहाँ पर मेरी क्रॉजल आ जाएगी। फर्स्ट स्लाइड ही ऐसे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इमेज अभी जो है यहाँ पर इसको नहीं मिला है, तो मुझे बेसिकली वो इमेजेस यहां पर डालने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, अच्छे अच्छे इमेजेस डाउनलोड करता हूं 3 इंटरनेट से। तो मैं नेचर फ्री इमेजेस लिखता हूं यहां पर और इमेजेस में जाकर मैं ऐसे 3 इमेजेस डाउनलोड करता हूं। तो ये कर लेता हूं, एक ये कर लेता हूं और एक ये कर लेता हूं, और इसको मैं सेव एज पता है कहां पर करूंगा, मैं जाऊंगा अपने ज़ैम्प में, जाऊंगा माय पीसी सी ड्राइव, फिर उसके बाद ज़ैम्प, फिर उसके बाद HTDocs, फिर उसके बाद बूट में मैं IMG नाम का एक फोल्डर बनाऊंगा। तो मैं IMG नाम के फोल्डर में इस इमेज को सेव कर दूंगा। मैंने download.jpg के नाम से इसको सेव करने की कोशिश की, मैं 1.jpg के नाम से करता हूँ इसको, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मैं लिखूंगा 2.jpg, इसको सेव करूंगा 2.jpg के नाम से, और इसके बाद इसको करूंगा 3.jpg के नाम से तीसरी वाली इमेज को। तो मैं इसको यहीं से सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज एज, और यहाँ पर करता हूँ 3.jpg के नाम से। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और लिखूंगा img slash और लिखता हूँ यहाँ पर 1.jpg, और उसको सेव करके एक बार देखता हूँ चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो आप लोग देखिए चल रहा है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है स्लाइड मेरी। तो आप लोग को जो है इसका जो साइज है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप लोग को जो है जैसे 800x400 थी यहाँ पर, तो आप लोग भी 800x400 ही रखेंगे तो फायदेमंद रहेगा। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर img/2.jpg कर देता हूँ और यहाँ पर img/3.jpg कर देता हूँ। कंट्रोल एस इसको सेव करके आप लोग को रिलोड करके दिखाता हूँ। और आप लोग देखिए यहाँ पर 3 इमेजेस आ चुकी हैं, 1, 2, 3। आप लोग इसको छोटा करेंगे अगर तो ये छोटी रहेगी, लेकिन अभी यहाँ पर जो है मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी है इमेज अपनी। यार इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप लोग विड्थ और हाइट भी दे सकते हो, इस मैंने यहाँ पर दी हुई है विड्थ और हाइट, लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि जो आपकी इमेज है वो परफेक्ट फिट बैठनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर रिस्पॉन्सिव भी यू करेंगे इस इमेज को तब भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी के लिए मैंने विड्थ और हाइट देख के इसको चला दिया है, यहाँ पर इमेजेस साफ नहीं है क्योंकि इंटरनेट से डाउनलोड किए, तो सॉरी अबाउट दैट। यहाँ पर हम लोगों ने 3 इमेज का घटिया सा स्लाइडर बना दिया, लेकिन आप लोग को पता है कि हम लोग इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं। अब आप लोग देखो अगर मैं इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो एकदम रिस्पॉन्सिव है ये, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है मुझे। टैबलेट बना रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर हैमबर्गर भी आ जा रहा है, तो एकदम परफेक्ट मेरी वेबसाइट ये दिख रही है अभी। आप लोग इमेज अपनी पसंद की यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप लोग इतना
बड़ा यूज़ कर रहे हैं फ्रेम, तो यार साफ इमेज यूज़ करना, मेरे जैसी छोटी सी इमेज यूज़ मत करना। मैंने इतनी छोटी इमेज यूज़ की हुई है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग अच्छी इमेज यूज़ करना। चलो यार ये तो हो गया हमारा कराउजल, अब मैं आप लोगों को ग्रिड सिस्टम यूज़ करके दिखाता हूँ। अब मान लीजिए कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 3 कार्ड्स ऐड करना यहाँ पर, यानी कि एक कार्ड यहाँ पर, एक कार्ड यहाँ पर और एक कार्ड यहाँ पर, और मैं वहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि यार मैं ये बेचता हूँ, मैं ये भी बेचता हूँ, मैं ये भी बेचता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कार्ड्स में जाऊँगा कंपोनेंट के अंदर, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये कोड कॉपी करूँगा। ये क्लास इज इक्वल टू कार्ड का कोड है, और कितने कार्ड एक रो में आएंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। तो मैं क्या करूँगा, ये जो कंटेनर है इसके अंदर अपना एक कार्ड डाल दूंगा, और कंटेनर के बाद मैं एक और डिव बनाऊंगा और उसकी मैं क्लास दे दूंगा क्लास इज इक्वल टू रो। तो क्लास इज इक्वल टू रो, और ये डिव यहाँ पर बंद नहीं करूँगा, मैं डिव बंद करूँगा, ये रो यहाँ पर चालू किया है, ये कंटेनर यहाँ बंद हो रहा है, तो इस कंटेनर से जस्ट पहले मैं बंद करूँगा इसको। तो अभी बेसिकली क्या है कि हमारा एक तो कंटेनर है ये वाला, इसके अंदर हमारा ये है पूरा मसाला रो का, और रो के अंदर हमारा क्या है ये है। तो आप लोग इस हायरार्की को मद्देनजर रखते हुए काम करें। अगर सब्लाइम टेक्स्ट में आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बंद वाला भी अंडरलाइन करेगा, तो रो रो, और इसके बाद जो कार्ड मैंने डाला हुआ है ये, इसको थोड़ा टैप दे देता हूँ, अंदर भेज देता हूँ, ये इसके अंदर है, बहुत बढ़िया। और इंडेंटेशन आप लोग यूज़ करें, ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स हैं सब्लाइम के, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जो कि इंडेंट कर देते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल एस करके इसको ज़रा रिलोड करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक कार्ड आया है, क्योंकि एक ही डाला था यार, एक ही आना चाहिए। अब इस रो के अंदर मैं मल्टीपल कार्ड्स डाल सकता हूँ, मैं एक काम करता हूँ 3 कार्ड्स डालता हूँ यहाँ पर, 1, 2 और 3, और मैंने अभी सेम टू सेम कार्ड डाले हैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। तो आप लोग देखिए यहाँ पर 3 कार्ड आ चुके हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसकी क्लास दे दूँ कार्ड और स्पेस कॉल डैश एल जी डैश 12, तब कितने कार्ड आएंगे, तब सिर्फ एक कार्ड आएगा इस रूम में। गाइस आप लोग देखिए यहाँ पर एक कार्ड क्यों आया, क्योंकि मैंने बोला 12 की 12 ग्रेड यूज़ कर लो। अब कंटेनर के अंदर थे हम, उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ हमें इतनी स्पेस मिली जो आपको ये बॉर्डर दिख रहा है इतनी, और उसके बाद मैंने बोला इस कार्ड को मुझे 12 ग्रिड में फंसाना है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये 12 ग्रिड यूज करेगा, और इसने पूरी की पूरी जगह ले ली जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको वापस से अंडू कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 3 रहे मेरे एक रो में। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा मेरा एक कार्ड सिर्फ 4 ग्रिड यूज करे, उससे क्या होगा 4 ग्रिड यूज करेगा, तो 4 × 3 = 12 मेरी जो है ग्रिड पूरी हो जाएंगी, तो मेरी 3 आएंगे सिर्फ 3 आएंगे, 4 × 4 = 3 मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, कंट्रोल एस से मैं सेव करूँगा और रिलोड करूँगा। आप लोग देखिए यहाँ पर 3 आ चुके हैं। तो यार जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 कार्ड लगा दिए हैं, मैंने सिंपली क्या किया है, जो कार्ड वाला कोड था उनको 3 बार कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी कार्ड की जो विड्थ है उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो जाए, यानी कि अगर मैं इसको छोटा करूँ तो 2, 3, अभी तो जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जितनी इसको स्पेस मिली है उस हिसाब से ये मिनिमल लेके आ जा रहा है। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कॉल डैश ऑटो कर दूँगा, यहाँ पर इसको कॉल डैश ऑटो कर दूँगा, और इसके बाद यहाँ पर भी इसको कॉल डैश ऑटो कर दूँगा, और आप लोग देखना कि क्या होगा। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, और जैसे ही मैं आऊँगा यहाँ पर आप लोग देखिए, अब मैं इसको छोटा करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसको जितनी जगह मिल रही है उसके हिसाब से ये नीचे आ गया। देखो उसको जगह जितनी मिल रही है उसके हिसाब से नीचे आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मार्जिन और पैडिंग दे सकता हूँ। तो मैंने इसी आप लोगों को बताया था, मैं राइट मार्जिन दूंगा, लिखूंगा MR2 दोनों में लिख दूंगा, और मैं MR2 लिखूंगा तो क्या होगा, इसकी राइट में मार्जिन आ जाएगी। कंट्रोल से सेव करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। अभी थोड़ा सा अच्छा दिखेगा क्योंकि मैंने राइट में इसके मार्जिन दे दी है, और कंटेंट जो है थोड़ा सा बीचों बीच आ गया है। अगर मैं दोनों साइड से मार्जिन देना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा MX2। तीनों में लिख के मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ, और इसको जैसे ही रिलोड करूँगा आप लोग देखिए बीचों बीच यहाँ पर आ गया। मैं इमेज यहाँ पर इसकी हटा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं राइट क्लिक करके अभी इंस्पेक्ट पर जाऊँ और कंसोल को खोलूँ तो ये कह रहा है फेल टू लोड रिसोर्स, ये जो यहाँ पर इमेजेस हैं ये लोड नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए क्या करते हैं कि जो IMG वाले ये जो चीज़ें हैं हटा देते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसकी इमेज लगा सकते हो यार, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग जाओगे यहाँ पर अपना बूटस्ट्रैप में, और यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर इन्होंने डायमेंशन भी दे रखी है, क्या सही है डायमेंशन। एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बड़े कमाल की, जैसे कि आप लोग यहाँ पर सर्च में अगर लिखोगे इमेज रिस्पॉन्सिव, आप लोग देखो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव इमेजेस, ये कंटेंट कितने आराम से सर्च हो जा रहा है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ये देखो रिस्पॉन्सिव इमेज के बारे में आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, IMG इमेज की क्लासेस होती हैं बहुत सारी, उनको मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी इस एरर को ठीक करते हैं, रिलोड किया, क्लियर किया, रिलोड किया, देखो ये एरर चला गया कि मैंने ये इमेज था वो हटा दिया है यहाँ से। तो ये भी बन गई है हमारी सिंपल सी वेबसाइट। इसी के साथ साथ अगर मैं MX को ऑटो कर देता हूँ, यानी कि मैं कॉल LG 4 करूँगा तीनों में,
और MX ऑटो कर दूंगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए क्या होता है कि मेरी ये जो कार्ड्स हैं ये इस तरह सेट हो जाते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर रहते हैं। मैंने यहाँ पर एक और काम किया है, जो कंटेनर था उसको कंटेनर फ्लूट कर दिया है। अगर मैं इसको कंटेनर का कंटेनर ही रहने दूँ तब आप लोग देखो यहाँ पर क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा और अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि इसको एक रो में तीन लेकर आने हैं। अगर मैं इसको 333 कर दूँ तब इसको जगह मिल जाएगी पैडिंग लेने की। कंट्रोल एस करता हूँ और आप लोग देखो यहाँ पर ये अपने आप जो है सेट हो गया है। तो MX ऑटो करने से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो है वो सेंटर कर देता है टेक्स्ट को, यानी कि कंटेनर के अंदर ले आता है। तो ये तो हमारे तीन कार्ड्स हो गए। मैंने यहाँ पर एक इमेज स्लाइडर बना के दिखा दिया। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो बूटस्ट्रैप पे, आप लोग इमेज लगा सकते हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इमेज, ये एक बड़ा कमाल का सर्च फंक्शनैलिटी है। अब मैं रिस्पॉन्सिव इमेजेस में जाऊँ अगर और यहाँ पर लिखूँ, मान लीजिए कोई इमेज मुझे लेनी है, मान लीजिए मुझे SRK की इमेज लेनी है और मैंने ऐसी SRK लिखा है, यहाँ पर कोई ना कोई इमेज तो SRK की आ जाएगी। SRK की कोई अच्छी सी इमेज लेते हैं नेट से, तो मान लीजिए मैं ये वाली इमेज ले रहा हूँ SRK की और मैं यहाँ पर करूँगा सेव इमेज एज, और मैं सेव करूँगा अपने IMG वाले फोल्डर में और इसका नाम मैं लिख देता हूँ SRK.jpg। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो मेरा इमेज है इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, क्योंकि मैं इसको एक रिस्पॉन्सिव इमेज बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको अपने कंटेनर के अंदर और रो के बाहर, देखिए रो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है मेरा, मैं क्या करूँगा इसको लगा दूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूँगा और SRC इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा /img/ और SRK.jpg। कंट्रोल एस से मैं सेव करूँगा और आप लोग यहाँ पर देखो इसको रिलोड करूँगा तो हमारे शाहरुख भैया जो है यहाँ पर आ गए हैं। और अगर मैं इन शाहरुख भैया को छोटा भी करता हूँ तो आप लोग देखो ये रिस्पॉन्सिव है शाहरुख भैया हमारे, देखो एकदम रिस्पॉन्सिव है, लेकिन अजीब अभी थोड़ा अजीब से इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने जो है यहाँ पर SRK भाई को अजीब सा बना दिया है, हमने इनकी पोजीशन सही से नहीं दी है, रो से बाहर कर दिया इनको। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारी बहुत सारी क्लासेस हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ इमेज की, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे कि एक तो इन्होंने ये दिया हुआ है IMG फ्लूइड, इसी के साथ IMG थंबनेल दिया हुआ है। अब मैं अगर इसमें IMG थंबनेल लगा दूँ तो एक काम करते हैं, इनको शाहरुख भाई को कार्ड के अंदर डालते हैं और देखते हैं कैसा लगते हैं शाहरुख भाई कार्ड के अंदर। कंट्रोल से सेव करते हैं और इसको रिलोड करते हैं और अब देखो थोड़ा अच्छे लग रहे हैं शाहरुख भाई, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ऊपर से थोड़ी स्पेसिंग अजीब सी हो गई है। तो एक काम करता हूँ, मैं शाहरुख भाई को एक क्लास देता हूँ और मैं दूंगा इनको मार्जिन top 2, उससे क्या होगा ऊपर से थोड़ी सी मार्जिन आ जाएगी। आप लोग देखना, देखो ऊपर से थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई है और अब थोड़ा ठीक लग रहा है कार्ड हमारा। और यही काम मैं क्या करूँगा, यही वाले कार्ड को कॉपी पेस्ट कर दूंगा तीनों जगह। मैं आप लोग करके दिखाता हूँ, तीनों कार्ड्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा इस तरह। कंट्रोल एस से सेव करूंगा और इसको जैसे ही रिलोड करूंगा आप लोग देखिए हमारे तीन तीन शाहरुख खान आ गए हैं और यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं और इस तरह की वेबसाइट को आप लोग बैक एंड से हैंडल कर सकते हैं। अगर आप लोग और तरह की इमेजेस ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं इमेजेस, और जैसे आप इमेजेस सर्च करेंगे आप लोग काफ़ी कुछ हमें मसाला मिलने वाला है और आप लोग इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग कंटेंट में टेबल्स में जाएंगे, जो हमारे टेबल सेक्शन है उसमें बड़ी फैंसी टेबल्स आपको मिलती हैं बूटस्ट्रैप में, अगर आप कोई भी डेटा शो करना चाहते हैं। अब अगर मैं ये वाली टेबल, जो अगर मैं बेसिक HTML की टेबल लगाता हूँ तो वो कैसी दिखती है आप लोग करके देख लेना, लेकिन अगर क्लास इज इक्वल टू टेबल लगा देते हैं बूटस्ट्रैप की, मैं काम करता हूँ इसको रो के अंदर ही रखता हूँ और कंट्रोल एस से मैं सेव करूँगा इसको, तो आप लोग देखो ये नीचे आ गई है टेबल मेरी। इनफैक्ट मुझे इसको रो से बाहर कर देना चाहिए और मैं काम करता हूँ रो के वाले डिव को थोड़ा बाहर कर देता हूँ, इससे ऑटोमेटिकली जो है ये रो के बाहर आ जाएगी। तो हमारी रो यहाँ पर बेसिकली ख़त्म हो रही है और ये रो के बाहर आ चुकी है टेबल। कंट्रोल से सेव करूँगा और आप लोग देखो यहाँ पर मेरी टेबल आ गई है। अब मान लो मैं टेबल से पहले देना चाहता हूँ H1 टैग और मैं यहाँ पर H1 लिखूँगा, एंटर मारूँगा और लिखूँगा SRK ग्रेट कार्ड और कंट्रोल से सेव करूँगा और आप लोग देखो यहाँ पर SRK ग्रेट कार्ड और नीचे टेबल आ गई है। तो अभी तो ये इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन इसको अच्छा दिखाने के लिए आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे सिंपली आप लोग को दिखाना था कि टेबल कैसे आप लोग बना सकते हैं। अब अपनी पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करना आपका काम है। मैं अभी क्या करता हूँ, इस टेबल को यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे सिर्फ आपको टेबल दिखानी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कंट्रोल ऐसे सेव कर दूंगा। अब अगर मैं यहीं पर आकर फुटर लिख दूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर हेडर और फुटर, कार्ड्स का हेडर और फुटर है बेसिकली ये। तो फुटर लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिए कस्टम कंपोनेंट स्टिकी फुटर, यहाँ पर कस्टम कंपोनेंट्स में देखिए आ गया है। तो मैं बेसिकली एक काम और कर सकता हूँ कि मैं किसी भी वेबसाइट को खोल सकता हूँ यहाँ पर और राइट क्लिक करके इसके व्यू पेज सोर्स में जाके इसका कोई भी पार्ट कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ। अब ये देखिए PY1 और MB2, ये सब आप समझ रहे होंगे क्या है। यह मार्जिन bottom 2, पैडिंग वाई में इसने दी हुई है 1। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग को समझना पड़ेगा। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन क्लास क्या करती है कि कंटेंट को जस्टिफाई कर देती है बीच में, जैसे कि आप लोग को ये दिख रहा है ये एकदम सेंटर कर दिया इसने कंटेंट। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने समझ ली तो फ्रंट एंड आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल आसान होने वाला है।
इसको रिलोड करके ज़रा ठीक कर लेता हूँ। और अब एक काम करते हैं, नीचे फुटर बना लेते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो मैं फुटर बेसिकली अगर इसका कॉपी कर लूँ, मान लूँ मुझे इसका फुटर अच्छा लग गया और मैं इसका फुटर कॉपी कर लूँ, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं इसका फुटर कॉपी कर सकता हूँ और मैं कंट्रोल एस करूँगा, तो देखो इसमें क्या होने वाला है अभी यहाँ पर, और उसके बाद उसी हिसाब से मैं ठीक कर लूँगा। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बीच में आए, तो मैं एक काम करूँगा, इसको डाल दूँगा कंटेनर फ्लूइड के अंदर, या फिर मैं एक काम करूँगा, इसने क्लास इज इक्वल टू ब्लॉक फुटर दिया हुआ है, मैं इस क्लास को CSS से टारगेट कर लूँगा। या अगर आप लोग अगर इतना कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो इसकी क्लास आप लोग दे दीजिए कंटेनर, कंटेनर दीजिए सिर्फ, पहले देखिए क्या हो रहा है। और ठीक, अगर आप लोग को लग रहा है तो आप लोग इसको अपना लीजिए, नहीं तो कंटेनर फ्लूइड देख के देखिए। अब यहाँ पर इस फुटर को ठीक करने के लिए मैं दो क्लासेस का यूज़ करूँगा, आप लोग देखना। सबसे पहले मैं पैराग्राफ को जो है डिव से रिप्लेस कर दूंगा। अब आप लोग कहोगे यार ऐसा क्यों किया हरी भाई, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं ऑटोमेटिक जो पैराग्राफ के बाद एक स्पेस आ जाता है उसको अवॉइड करना चाहता हूँ। तो मैं भी क्या करूँगा, पैराग्राफ को डिव से रिप्लेस कर दूंगा, DIV। और इसके बाद मैं इसमें दो क्लास लगाऊंगा, पहले वाले डिव में मैं क्लास लगाऊंगा फ्लो डैश लेफ्ट। इससे क्या होगा कि ये कंटेंट लेफ्ट में आ जाएगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भी मैंने क्या कहा। और इसमें मैं कर दूंगा फ्लो डैश राइट, कंट्रोल एस से मैं जैसे सेव करके इसको रिलोड करूंगा, आप लोग देखिए ये आ गया मेरा लेफ्ट, ये आ गया मेरा राइट। अब अगर आप लोग को स्पेसिंग का इशू आ रहा है, आप चाहते हैं कि ऊपर नीचे इसके थोड़ा सा स्पेस आ जाए, तो आप लोग फिर वापस से इसमें क्या कर सकते हैं, मार्जिन वाई दे सकते हैं दो, कंट्रोल एस से सेव करके देखिए तो मार्जिन वाई में दो आ जाएगा देखो, और दूसरे वाले में भी आप मार्जिन वाई दो दे सकते हैं। खैर अभी एकदम हमारा परफेक्ट बन गया है। अब आप अगर इसी वेबसाइट में थोड़ा सा और कंटेंट डालेंगे नीचे को, तब और अच्छा लगेगा, लेकिन अभी के लिए भी ये वेबसाइट बिल्कुल सही दिख रही है मुझे। अब जैसे कि हमारी इमेजेस यहाँ पे डार्क है, तो आप नेवबार अपना रिप्लेस कर सकते हैं। नेवबार रिप्लेस करने के लिए भी मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग क्या कर सकते हैं। मैं वापस से बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा नेवबार और नेव बार पर क्लिक करूंगा, नेव बार पर आऊंगा और यहाँ पर देखिए इसमें क्लास कौन सी हमने यूज़ की हुई है, हमने की हुई है नेव बार लाइट। अब देखते हैं नेव बार डार्क भी है कुछ क्या है, नहीं है। तो मैं नीचे जैसे आऊंगा इसमें, आप लोग यहाँ पर देखिए एक ब्लैक वाला नेव बार है यहाँ पर, इसमें नेव बार डार्क है इसका थीम। तो एक काम करता हूँ, इस नेव बार में आता हूँ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेव बार लाइट को करते हैं नेव बार डार्क, और बैकग्राउंड लाइट को करते हैं बैकग्राउंड डार्क। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और देखते हैं इसका क्या हुआ, अगर ये बिगड़ेगा तो उसको ठीक करेंगे। और वो देखिए बिगड़ा नहीं, एकदम परफेक्ट दिख रहा है ब्लैक कलर से। अब ये डिसेबल्ड अबाउट सर्विस, ये डिसेबल्ड जो है इसको मैं ज़रा सा हटा देता हूँ, यहाँ पर अजीब सा दिख रहा है। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव कर दिया और रिलोड कर दिया, तो आप लोग देखिए यहाँ पर एकदम परफेक्ट दिख रही है वेबसाइट अभी, और थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है हमारा जो हेडर है इसका, और नेव बार जिसे बेसिकली कहते हैं। आप लोग इसको तो डायनामिकली अपने PHP फ्लास्क, फ्लास्क ट्यूटोरियल मैंने बनाए हुए हैं उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। मैं काम करता हूँ, आप लोग को एक कॉन्टैक्ट अस पेज भी बना के दिखाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ एक LI कॉपी करूँगा, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके और किसी एक LI के बाद पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। इसके बाद पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, और HREF फिजिकल टू लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट स्लैश कॉन्टैक्ट डॉट HTML। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, और अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, कंट्रोल N दबा के न्यू फाइल बनाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा HTML, कंट्रोल एस करूँगा और यहाँ पर लिख दूंगा कॉन्टैक्ट डॉट HTML, और कॉन्टैक्ट डॉट HTML नाम से इसको सेव कर दूंगा। पूरी फाइल में एकदम कॉपी करता हूँ इंडेक्स जैसी, और कंट्रोल एस करता हूँ, और आप लोग यहाँ पर देखना, उप्स जैसे मैं इसको रिलोड करूँगा, कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है नॉट फाउंड, तो मुझे यहाँ पर स्लैश हटाना पड़ेगा। बेसिकली आपको भी इस तरह की वेबसाइट नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपका बैकएंड होगा या तो PHP वगैरह, तो उसके हिसाब से आप लोग खुद हैंडल कर लेना। और मैं बैक करता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ, आप कॉन्टैक्ट दबाता हूँ, अब आ गया मेरा कॉन्टैक्ट। अब मैंने क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी किया हुआ है, इसलिए मुझे एकदम सेम दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंटेंट के अंदर का जो आइटम है, नैव बार को छोड़ के सब कुछ हटा दूंगा मैं यहाँ से, जो मैंने लिखा हुआ है ये नैव बार को छोड़ के क्लॉज़ल हटाता हूँ पहले, उसके बाद मैं ये कंटेनर हटा देता हूँ, और फुटर भी रहने देता हूँ, मैं फुटर और ये रहने देता हूँ। अब इसको रिलोड करूँगा, देखिए एकदम खाली हो गया है, खाली नहीं हुआ है लगता है, मैंने गलत जगह से हटा दिया, उप्स मैंने गलत जगह से हटा दिया। तो मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, यार कंट्रोल जेड भी नाम की भी कोई चीज़ होती है। यहाँ से मुझे हटाना था ये वाले पेज से, मैंने गलत पेज से हटा दिया था, मुझे कॉन्टैक्ट से हटाना था ताकि ये मेरा खाली हो जाए। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, रिलोड करूँगा, आप लोग देखिए पूरा खाली हो चुका है। और ये ब्लॉग ये सब आप लोग चेंज कर लेना खुद, और इसको चेंज करने में मैं टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करूँगा। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉपीराइट कोड विद हैरी, और हरी लिख दिया मैंने, वैसे मुझे काफ़ी लोग हरी भी बोलते हैं,
जिन लोग को हैरी समझ में नहीं आता। एनीवेज अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर सी कैपिटल करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर बच्चों वाले काम कर रहा हूँ जो कि मुझे नहीं करने चाहिए, बट एनीवेज यार आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट भी देना मेरा ही काम है। इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी नहीं शिफ्ट सी करता हूँ ताकि कैपिटल बन जाए। अब रिलोड करता हूँ इसको, देखिए कॉन्टैक्ट आ गया है। कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूँगा तो एक मिनट मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा, होम कॉन्टैक्ट, मैंने यहाँ पर फिर से स्लैश लगा दिया, मुझे स्लैश हटाना पड़ेगा इसका। कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पे भी कंट्रोल एस टू सेव, और बैक रिलोड। अभी कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट पे आया, होम से मुझे होम से वापस आने का भी कुछ बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एच आर ई फिजिकल टू इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कर देता हूँ, और यहाँ पर भी एच आर ई फिजिकल टू इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कर देता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, कंट्रोल एस टू सेव। और अब मैं जाता हूँ वापस इसको रिलोड करता हूँ, होम पे जाऊँगा तो आप लोग देखिए यहाँ आ गया, कॉन्टैक्ट में जाऊँगा तो यहाँ आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर फॉर्म्स के बारे में बताना चाहता हूँ, मैं अगर यहाँ पर फॉर्म लिख दूँ और उसके बाद मैं फॉर्म कंट्रोल्स में जाऊँ तो आप लोग देखिए यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे फॉर्म्स दिए हुए हैं। आप अपने हिसाब का फॉर्म यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं। फॉर्म कंट्रोल जो होती है इसकी बेसिक क्लास होती है, सबसे खतरनाक क्लास यानी कि सबसे अच्छी क्लास जो है वो फॉर्म कंट्रोल है बूटस्ट्रैप के अंदर, जो कि आपको अच्छे अच्छे फॉर्म के जो आइकन्स हैं वो देती है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो आपका इनपुट टैग्स होते हैं, आपके चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, वो कितने खूबसूरत दिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेवबार के बाद यहाँ पर सीधे फॉर्म डाल देंगे, ये बिल्कुल अगली दिखने वाला है क्योंकि मुझे इसको कंटेनर के अंदर डालना चाहिए था। देखिए पूरा इसने जगह ले ली है, तो एक काम करते हैं इसके ऊपर लिखते हैं डिव क्लास इज इक्वल टू कंटेनर। थोड़ा जूम इन करता हूँ यार, आप लोग को दिखना भी तो चाहिए। ये है हमारा नैव बार यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर मैं कंटेनर क्लास लिख रहा हूँ, तो मैं डिव लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, और ये डिव यहाँ से क्लोज करके अभी मैं सबलाइम का एक अच्छा सा फीचर दिखाता हूँ आपको। जैसे ही फॉर्म ख़त्म हुआ, मैं जैसे ही ये लिखूंगा, जैसे ही मैं स्लैश वाला बटन दबाऊंगा तो मेरा डिव पूरा हो जाएगा। आप लोग देखना, मैंने दबाया स्लैश वाला बटन, डिव पूरा हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे सबलाइम का, बहुत ही मज़ेदार फीचर है। रिलोड करूंगा, देखिए मेरा आ गया फॉर्म बीचों बीच। अब आपको टॉप से इसको मार्जिन जो देनी है वो आप लोग खुद दे सकते हैं। तो मैं एम टी टू लिखूंगा, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मार्जिन टॉप टू हो जाएगी, और यहाँ से स्पेस ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। इसके अंदर आप लोग एक H1 टैग भी लगा सकते हैं और लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस, और उसके बाद कंट्रोल एस से सेव करके आप लोग इस तरह इसको कॉन्टैक्ट अस करके फॉर्म पूरा भरवा सकते हैं लोगों से। अब मान लो कि आप लोगों को ये फॉर्म भी चाहिए और यहाँ पर कुछ आपको कुछ बैनर भी लगाना है, कुछ दिखाना है, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपना भाई ग्रिड सिस्टम यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, कंटेनर यूज़ करूँगा, और इसके बाद क्या करूँगा, कंटेनर के अंदर एक और डिव लगाऊंगा, और उस डिव की क्लास में क्या कर दूंगा, मैं उस डिव की क्लास कर दूंगा कॉल एल जी 8, यानी कि मैं 8 कॉलम्स यूज़ करूँगा ग्रिड के। आप लोग देखते रहना मैं क्या करूँ। अब इस डिव को मैं बंद करूँगा, सीधा फॉर्म जा ख़त्म हो रहा है उसके बाद, तो मैं जैसे ये करूँगा मेरा डिव बंद हो जाएगा। इसके बाद मैं एक और डिव खोलूँगा, और इस डिव के अंदर इस डिव की क्लास क्या हो जाएगी, इस डिव की क्लास हो जाएगी कॉल एल जी 4, क्योंकि 8 4 12 होता है, 8 कॉलम मैंने यहाँ यूज़ किए और 4 कॉलम मैंने यहाँ यूज़ किए। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कार्ड डाल सकता हूँ। तो मैं जाऊँगा अपने बूटस्ट्रैप में, यहाँ पर लिखूँगा कार्ड्स, और जैसे ही मैं कार्ड्स में जाऊँगा आप लोग देखिए यहाँ पर मुझे एक कार्ड मिलेगा। मैं ये एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और इसके अंदर मैं बैनर डाल दूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव करके आप लोगों को दिखाता हूँ एक्शन में कैसा दिखता है। अब ये कार्ड जो है नीचे आ गया है, इसका रीज़न ये है कि मुझे यहाँ पर जो कंटेनर है इसको कंटेनर फ्लूइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पूरी ग्रिड्स चाहिए, और उसी के साथ साथ मुझे एक क्लास इज इक्वल टू रो भी डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये एक रो में आए, और बिना क्लास इज इक्वल टू रो लगाए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा डेव, और यहाँ पर लिखूँगा क्लास इज इक्वल टू रो, और यहाँ पर जो डिव बंद हुआ हुआ है इसको कंट्रोल एक्स करके राइट आफ्टर कार्ड, जहाँ मेरा बंद हो रहा है कार्ड मेरा, ये कॉल एल जी बंद हो रहा है, इसके बाद इसको बंद कर दूंगा, सेव करूँगा। तो आप लोग देखना कितना प्यारा दिखेगा हमारा फॉर्म। यहाँ पर आ गया मेरा कॉन्टैक्टस, और यहाँ पर आ गया मेरा कार्ड। अब मैं इसी के साथ साथ क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर कार्ड में इतनी स्पेस यूज़ जो की है, मैंने बेसिकली 4 कॉलम यूज़ किए हुए हैं, और कार्ड मेरा थोड़ा पतला है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट जो है वो बीच में आ जाए। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ 18 आरईएम, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि जो इसका कंस्टेंट है वो हट जाए 18 आरईएम वाला। और मैं जैसे ही इसको करूँगा ऐसे, आप लोग देखिए यहाँ पर ये इसने पूरी जगह यहाँ पर ले ली है जितनी ले सकता था। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, जो मुझे टॉप में जो पैडिंग देनी होती है, सॉरी जो मार्जिन देनी होती है वो मैं दे देता हूँ। तो मैंने एम टी यहाँ पर कितना दिया हुआ था, मैंने एम टी दिया नहीं है अपने, मैं कंटेनर फ्लूट को ही देता हूँ सीधे, ताकि मेरे दोनों एलिमेंट्स जो हैं आ जाएँ बीचों बीच। मैं यहाँ पर एम टी 3 देने वाला हूँ, इस बार थोड़ी ज़्यादा मुझे जो है मार्जिन चाहिए, और आप लोग देखो कितना सही दिख रहा है, अभी ये बहुत अच्छा दिख रहा है। वैसे अगर मैं इसको पूरा बीचों बीच लाना चाहूँ तो मैं कंटेनर फ्लूइड इसको हटा के कंटेनर भी कर सकता हूँ,
जैसे कि आप लोग देखिए, मैं इसको सेव करूंगा तो ये बीचों बीच आ जाएगा। अभी ये मुझे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। अब ये जो इमेज था उसमें मैं SRK और JPG जो मैंने दिया था वो दे देता हूँ कार्ड के अंदर। मेरा कार्ड कहाँ गया? ये रहा मेरा कार्ड, SRC = मैं लिख देता हूँ SIMG में SRK.JPG। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और यहाँ पर देखिए, यहाँ SRK आ गया। देखिए एकदम रियलिस्टिक लग रही है वेबसाइट, एकदम स्वैगी लग रही है वेबसाइट, ऐसा लग रहा है पता नहीं किसने बना दी। और जो है आप लोगों को मज़ा आ रहा है मुझे मालूम है। अब यहाँ पर हमको सिर्फ एक प्रॉब्लम यहाँ पर परेशान करी है, वो है कि जो हमारा फुटर है वो लटक रहा है यहाँ पर हवा में, और मैं चाहता हूँ कि ये फुटर मेरा नीचे आ जाए। और इस फुटर को नीचे लाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक क्लास इसमें ऐड करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा फिक्स्ड बॉटम, इससे क्या होगा कि ये फिक्स्ड बॉटम हो जाएगा इसका और ये नीचे आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये बिल्कुल एकदम मस्त अभी काम कर रहा है। देखो आप लोग, मैं इसको रिसाइज करूँगा तो एकदम मस्त चल रहा है ये। और ये देखो आप, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी खतरनाक वेबसाइट बना दी हो। और इस वेबसाइट को आप लोग बेच सकते हैं 10 करोड़ रुपए में, और वो पैसों में से 10 रुपए मुझे भी ज़रूर दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि जैसे ही मैं होम पे जाऊँगा तो मुझे ये मिलेगा, कॉन्टैक्ट में जाऊँगा तो मुझे ये मिलेगा, और हम इस तरह से बाकी पेजेस भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यार अगर आप लोग को अपनी स्टैटिक वेबसाइट बनानी है तब तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब यहीं पर क्या है कि बूटस्ट्रैप के और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ड्रॉप डाउनस हैं, कोलैप्स हैं, कराउजल है, जो कि मैंने बताया आपको, जंबोट्रॉन है। जंबोट्रॉन क्या होता है, कुछ इस तरह का ऐड कर देता है, जैसे मान लो कि आप लोग नहीं चाहते हो ये ऐड करना, कराउजल ऐड करना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको हटा सकते हो, जो स्लाइडर है इसको हटा के आप लोग क्या कर सकते हो, जंबोट्रॉन डाल सकते हो, और एकदम ये अच्छा लगता है ऊपर। ऐसी बात नहीं अच्छा नहीं लगता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं इसको रिलोड करूँगा, ये देखो हेलो वर्ड ये लिख कर आ रहा है। आप लोग इसको जैसे इसने कंटेनर दिया हुआ है, कंटेनर के अंदर उप्स मुझे इसको कंटेनर के अंदर डालना चाहिए, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। class = कंटेनर लिखता हूँ और इसको यहाँ पर Ctrl+X करके यहाँ पर बंद करता हूँ और Ctrl+S सेव करता हूँ और इसको रिलोड करूँगा। अभी थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, लेकिन तब भी आप लोग को जो है अपना इसमें एक्सपेरिमेंटेशन तो करना पड़ेगा अगर आप लोग चाहते हैं अच्छा दिखे। जैसे कि अगर आप लोग को इसको मार्जिन टॉप 2 करना है या फिर 3 करना है तो आप लोग इस तरह कर सकते हो, और इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर मार्जिन टॉप 3 करोगे तो ये मिल जाएगा। अब इसके टेक्स्ट को आप चेंज करोगे तब वेबसाइट अच्छी दिखेगी, अभी मे भी अच्छी नहीं दिख रही है। एक मिनट फिक्स बॉटम कर देता हूँ फुटर को, जैसे कि मैंने पहले किया था। जैसे मैं फिक्स बॉटम करूँगा आप लोग देखिए यहाँ पर ये नीचे लटकने लगेगा फुटर, और अब ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। अब चलिए बात करते हैं थोड़ी सी बटन्स के बारे में। अब आप लोग देखिए यहाँ पर लर्न मोर जहाँ पर लिखा हुआ है वो एक बटन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सर्च भी एक बटन था हमारा और लर्न मोर मेरा जहाँ पर लिखा हुआ है ये एक बटन है। अब आप लोग देखिए इसकी क्लास क्या है, BTN प्राइमरी। अगर मैं बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा और यहाँ पर लिख दूँ बटन और मैं यहाँ पर जैसे जाऊँगा, आप लोग देखिए यहाँ पर बटन के अलग अलग इन्होंने क्लास दिया हुआ है। ये कहते हैं कि अगर आप लोग BTN ऐड करोगे और BTN प्राइमरी ऐड करोगे उसके बाद तो ऐसा दिखेगा बटन, BTN सेकेंडरी करोगे तो ऐसा दिखेगा, BTN सक्सेस करोगे तो ऐसा दिखेगा। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं BTN प्राइमरी को BTN सक्सेस कर दूँ तो आप लोग देखना ये जो ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। तो आप लोग देखिए ब्लू से मेरा ग्रीन हो चुका है। अब आप इसको ग्रीन से मान लीजिए, ये करना चाहते हैं वार्निंग वाला तो वार्निंग कर दीजिए, डेंजर करना चाहते हैं तो डेंजर कर दीजिए, डेंजर से रेड हो जाएगा। तो आप लोग इनकी जो क्लास है इसको देखकर अपने बटन का कलर चूज़ कर सकते हो। अब यहीं पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आउटलाइन दे सकता हूँ बटन। मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ outline-danger और इसके बाद इसको सेव करके और इसको रिलोड करूँ तो हम लोग देखिए आउटलाइन हो गया। अब मैं इस पर जब अपना माउस लेकर जाऊँगा तब ये डेंजर बटन हो जाएगा, वरना ये आउटलाइन रहेगा। ये आउटलाइन सक्सेस है, ये जो ऊपर सर्च बटन है, इसलिए मैं इस पर माउस लेकर जा रहा हूँ तो ये ग्रीन हो जा रहा है। तो इस तरह से जो है हमारे पास बटन होते हैं बूटस्ट्रैप में। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ग्रिड सिस्टम के बारे में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुनना। लेकिन उससे भी पहले मैंने आप लोग को बोला था कि मैं आप लोग को एक चीट शीट देने वाला हूँ बूटस्ट्रैप की, जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वो चीट शीट आपको मिलेगी मेरी कोड विद हैरी वेबसाइट पर। जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरी कोड विद हैरी वेबसाइट है उस पर मैं सारे के सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन और कोड के साथ डालता हूँ। तो आप लोग वहाँ पर क्या करें, मैं इसको जल्दी बूटस्ट्रैप 4 में एक्चुअली लेने वाला हूँ। तो अगर ये बूटस्ट्रैप 4 में आप भी जाए इस वीडियो को देखते देखते, तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने लिंक दे रखा होगा एक उस चीट शीट को डाउनलोड करने का, और वो डाउनलोड आप कर लेना। अब आते हैं वापस से जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताने वाला था, इसको बंद कर देता हूँ।
वो बात ये है कि अभी हमारी जो है यहाँ पर 12 ग्रिड थी, यानी कंटेनर के अंदर हमारी 12 ग्रिड है। 12 में से हमने कितनी ग्रिड यूज़ की हुई हैं? हमने 3, 3, 6, 3, 9 यूज़ की हुई हैं। 9 यूज़ की हुई हैं और बाकी MX ऑटो से हमने एडजस्ट कर दिए हैं, क्योंकि एक्स में जो हमारी मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली इसने ले ली है। अब मान लो मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल LG3। अब मैं वापस से यहाँ पर ये खोलता हूँ, मैं जाऊँगा यहाँ पर लेआउट में, लेआउट में जाऊँगा ग्रिड में, और ग्रिड में आप लोग यहाँ पर देखो ये जो डायग्राम था, यहाँ पर अगर मैं कहीं पर कॉल एक्सेल लिख देता हूँ तो वो सिर्फ कॉल एक्सेल के लिए लागू होता है। यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉल XL3 तो लार्ज डिवाइसेस के लिए 3 ग्रिड शो करेगा, और उसके नीचे के लिए क्या शो करेगा? उसके नीचे के लिए बाकी अपने आप एडजस्ट करेगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कॉल LG3 तो क्या करेगा? लार्ज डिवाइसेस में 3 करेगा शो, और उससे बड़े डिवाइस में भी ऑटोमेटिकली 3 शो करेगा अगर मैंने यहाँ पर एक्सेल नहीं लिखा है तो। अगर मैं यहाँ पर कॉल SM3 लिख दूँ, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कॉल SM3 यहाँ पर, तो क्या करेगा? SM के लिए तो 3 दिखाएगा ही दिखाएगा, बाकी जो उसके आगे के हैं उनके लिए भी 3 दिखाएगा। यानी कि ये SM के लिए 3 दिखाएगा, MD के लिए वो 3 होगा, LG के लिए 3 होगा, XL के लिए 3 होगा। यानी कि अगर आप इसको एक्स्ट्रा लार्ज में देख रहे हो, अगर आप इसको मीडियम में आप लोग 3 चाहते हो और आपने इसलिए कॉल MD3 लिख दिया है, तो वो LG के लिए भी वही लागू होगा, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए भी वही लागू होगा। मैं आप लोग को इसको रिलोड करके दिखाता हूँ। अब मान लो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको बहुत छोटा कर दिया। देखो ये 3 ही है, 3 ही है, 3 ही है, 3 ही है, अभी भी 3 है, देखो अभी भी 3 है। जैसे ही मैं इसको छोटा करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, अभी भी 3 ही है देखो, जब तक ये यहाँ पर स्मॉल में नहीं आ जाता। यानी कि मैंने यहाँ पर क्या दिया हुआ था? मैंने दिया हुआ था SM3, जब तक ये एक्स्ट्रा स्मॉल में नहीं आ जाता तब तक ये जो है 3 पे बना ही रहेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये 3 दिखाए, यानी कि कॉल LG3 ये 3 आप लगाना चाहते हैं, तब आप लोग देखिए यहाँ पर 3 रोज का होना और यहाँ पर 3 का लगाना अलग अलग बातें हैं, क्योंकि मुझे टोटल में 12 ग्रेड चाहिए। तो आप लोग ऐसा समझ लीजिए, कोई भी प्रॉपर्टी आप अगर लगाना चाहते हैं इनमें से, आप वो प्रॉपर्टी चुनिए। जैसे मान लीजिए मैंने मीडियम चुन ली, मैंने कहा मीडियम से बड़ा जो है उसमें 3 दिखाऊंगा, बाकी में अपने आप एडजस्ट हो जाए। या फिर मैं चाहता हूँ बाकी में कुछ और हो तो मैं 2 क्लास लगा दूंगा। यहाँ पर मैं लगा दूंगा कॉल SM3 लगा दूंगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कॉल MD3 लगाता हूँ, कॉल MD3 लगाता हूँ, और उसके बाद बाकी नीचे वालों को हैंडल करने के लिए मैं कॉल SM भी लगा सकता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर मैं लगाता हूँ SM तो वो SM के लिए तो लागू हो गई होगा, इन सब ये सारी क्लासेस भी ऑटोमेटिकली लागू हो जाएंगी। यानी कि अगर आपने डॉट कॉल SM3 लगा दिया तो इसके लिए भी MD भी 3 लग जाएगा, LG भी 3 लग जाएगा, XL भी 3 लग जाएगा। ये काम आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला सही से, इसलिए मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सो गाइस बेसिकली जो बूटस्ट्रैप है उसमें सब चीज़ें ऐसे ही काम करती है। मैंने आप लोग को बताया कि किस तरह बटन यूज़ करना है, आपको कंपोनेंट्स में जाना है, और कंपोनेंट्स में जाने के बाद आप लोग को सिंपली करना क्या है कि इस कोड को कॉपी करके उठा के चिपका देना है। मैंने आप लोग ग्रिड सिस्टम के बारे में बता दिया, मैंने आपको क्लास के बारे में बता दिया। क्लास बेसिकली जो अपने बूटस्ट्रैप इंक्लूड की हुई है यहां पर, ये जो हमने CSS और JavaScript इंक्लूड कर रखी है ना, वह वहां से आ रही है सारी फंक्शनलिटी। आप ये मत सोचना कि अगर आप लोग कहीं और फिक्स बॉटम लिख देंगे, इस तरह की क्लास कंटेनर फ्लूइड और ये सब लिख के कहीं और किसी और HTML वेबसाइट में आप लोग सेम फीचर्स को रेप्लीकेट कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। जब तक आप बूटस्ट्रैप के अंदर है तब तक ये बातें लागू होती हैं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने CDN के बारे में जिक्र किया था अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में। CDN होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मतलब क्या होता है इस बात का? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी CSS है वो किसी थर्ड पार्टी से लोड हो रही है। यानी कि आप लोग देखिए यहाँ पर stackpart.bootstrapcdn.com से हो रही है। उससे फायदा क्या होता है कि आपके सर्वर पर कम लोड पड़ता है। अगर आप लोगों ने मेरा VPS वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना इस वीडियो के बाद, और मैंने बैकएंड के बारे में बहुत वीडियोज बनाए वो भी देख लेना। लेकिन अभी बेसिकली ये समझ लो कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क कंटेंट डिलीवर करता है, उसका काम ही ये होता है कि वो आप लोगों को कोड देता जाएगा। जैसे कि jQuery code.jQuery.com से आ रहा है, cdn.cloudflare.com से आ रहा है, ये यहाँ पर हमारे पास popper.js जो है। तो अभी होता क्या है, यहाँ पर हम अपने सर्वर पे ये सारी फाइल्स नहीं डालना चाहते। इन फाइल का साइज तो भाई कुछ भी नहीं है, लेकिन लोड कहाँ पड़ता है? जब बहुत सारे लोग, मान लीजिए आपके मिलियन यूजर्स आ गए और सबके सब डाउनलोड करने लगे इस कंटेंट को, तो आपके सर्वर पे लोड पड़ेगा। उस लोड को बचाने के लिए आप लोग ये फ्री सर्विस यूज कर सकते हैं जो कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। अब आ जाते हैं वापस से बूटस्ट्रैप पे। सिंपली आपको क्या करना है, ये सारे के सारे कोड कॉपी करने हैं और ये इस तरह की फंक्शनैलिटीज को आप लोग को रेप्लिकेट करना है। एक चीज जो मैं यहाँ पर आप लोग को और बताना चाहता हूँ वो है मोडाल। मोडाल क्या होता है मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ। देखिए बेसिकली क्या होता है, एक बटन होता है, उस पर अब आप क्लिक करते हैं तो ऊपर से कुछ हवा में उड़ के आता है, देखो ये। और ये बूटस्ट्रैप में करना एकदम आसान होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए लर्न मोर की जगह मैं यहाँ पर साइन अप करवाना चाहता हूँ किसी से, मैं कहता हूँ कि यार मेरी वेबसाइट में साइन अप कर लो, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा साइन अप। ठीक है, सिंपल सी काम किया मैंने, क्या किया, साइन अप लिख दिया, साइन अप आ जाएगा यहाँ पर।
तो बेसिकली मैंने यहाँ पर जो है साइन अप टेक्स्ट सिंपली चेंज किया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मोडल के जो ये यहाँ पर दी हुई है क्लास BTN प्राइमरी, तो उसके डिज़ाइन के लिए दिया हुआ है, लेकिन जो डेटा टॉगल मोडल दिया हुआ है और डेटा टारगेट दिया हुआ है, ये कहाँ है? देखो, हैश होती है ID और डॉट होता है क्लास, ये CSS का रूल होता है, याद रखना आप। हैश मतलब होता है ID, यानी कि हैश एग्जाम्पल मॉडल इसका टारगेट है, यानी कि जिसकी भी ID एग्जाम्पल मॉडल होगी वो ऊपर से गिर के आएगा। देखो, इसकी ID एग्जाम्पल मॉडल है, इसलिए ये वाला div ऊपर से गिर के आएगा। अब आप लोगों को मैं इसको समझाता हूँ। मैं काम करता हूँ कि जो मॉडल है इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसको कॉपी करने के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा जस्ट इस बटन के नीचे। अब यहाँ पर मैंने ए दिया हुआ, ये बटन नहीं है मेरा, ए है, यानी कि एंकर टैग जो होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम एंकर टैग में रोल इज इक्वल टू बटन लगा देते हैं बूटस्ट्रैप में, तो वो एकदम बटन की तरह काम करता है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर इस वाले बटन को, और एंकर टैग को अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पर जो है ये बटन पेस्ट कर दिया। अब मैं BTN आउटलाइन डेंजर लेना चाहता हूँ, आउटलाइन डेंजर, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। अब आप लोग देखो, यहाँ पर मैं कर दूंगा साइन अप, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब आप लोग देखो, जैसे मैं इसको रिलोड करूंगा तो साइन अप पे क्लिक जैसे मैंने किया, ऊपर से मॉडल टाइटल, इसके अंदर का कंटेंट, क्लोज और सेव चेंजेस, ये आ गया बनके। अब अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा और अच्छा बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी मॉडल है, अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इस तरह एक कमेंट होता है HTML के अंदर, आप लोग को बता दूँ। एक हमें HTML वाला जो ओपनिंग टैग होता है वो लिखना पड़ता है, एक्सक्लेमेशन मार्क डैश डैश, फिर जो कमेंट है वो लिख दो, फिर डैश डैश, और HTML का क्लोजिंग वाला जो होता है जो ग्रेटर देन सिंबल है वो। अब यहाँ पर जैसे मॉडल टाइटल है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन अप टू माई वेबसाइट, और यहाँ पर जो तीन डॉट लिखे हुए हैं यहाँ पर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, यानी कि कुछ भी, मैं यहाँ पर अभी कुछ भी लिख देता हूँ। और एक काम करता हूँ, इसको H1 टैग में लिखता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, H1 टैग में इसको मैं लिखूँगा, तो और कुछ भी को H1 के अंदर डाल देता हूँ कंट्रोल एक्स करके। और लो देखो, यहाँ पर जैसे ही मैं इसको रिलोड करूँगा और इसके बाद साइन अप पे क्लिक करूँगा, तो ऊपर से कुछ भी H1 टैग में आ गया। इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, फॉर्म डाल सकते हो बना के, आप इसके अंदर वापस से आप लोग वो ग्रिड सिस्टम वाली कहानी लगा सकते हो, 12 ग्रिड है और कंटेनर डाल दो, कंटेनर फ्लूइड डाल, सब कुछ कर सकते हो। अब से क्लोज पे दबाओगे तो बंद हो जाएगा। सेव चेंजेस अगर आप लोग हटाना चाहते हो तो सिंपली इस बटन को आप लोग डिलीट कर दो, तो सब कुछ आपकी मुट्ठी में आ जाता है एट द एंड ऑफ द डे। अब क्या है कि आप लोगों को सिंपली इसको प्रैक्टिस करना है, यहाँ से देखना है कौन सा कोड क्या कर रहा है, चिपकाना नहीं है गाइस, सिर्फ चिपकाना नहीं है। मैं पहले सबसे बड़ी गलती क्या करता था, मैं उठा उठा के चिपकाता था कोड, उठा उठा के नहीं चिपकाना है आपको। अगर आप थोड़ा सा टाइम लेकर उसको समझोगे कि वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है, अब ये डेटा टारगेट इज इक्वल जो हैश एग्जाम्पल मॉडल लॉन्ग है, तो ये कहाँ जा रहा है, फिर इस पर क्लिक होगा तो ये यहाँ पर आएगा, इस तरह की बातें समझोगे अगर आप, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से समझ में आएगा तभी आप लोग अच्छी वेबसाइट्स बना पाओगे। अब यहाँ पर बहुत सारी कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स को एक वीडियो में या फिर एक बहुत बड़ा सा ट्यूटोरियल बनाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। आप लोग जाओ टूल टिप्स में, जाओ टूल टिप्स में, देखो क्या होती है टूल टिप्स, कुछ नहीं होती है, जो कि आप लोग को बहुत सारी वेबसाइट में दिखती ही होगी ऑलरेडी, होवर पे आ गई है, ऊपर नीचे आगे पीछे किस तरह लगाते हैं वो यहाँ पर बताया हुआ है। इसके बाद अगर आप लोग jQuery या JavaScript लगाना चाहते हैं, ये एक आपकी अगली स्टेप होगी। अभी आप लोग को यहाँ पर नहीं घुसना है, अभी आप लोग को फ्रंट एंड पे पूरा फोकस देना है। CSS आप लोग एक्सटर्नल लगाएं, अब CSS एक्सटर्नल कैसे लगाएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ये साइन अप बटन है या फिर ये कार्ड टाइटल है, मान लो ठीक है ये कार्ड टाइटल है, मैं इस कार्ड टाइटल को टारगेट करना चाहता हूँ CSS से, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर ID इज इक्वल टू लिख दूंगा। मान लो ये वाला टाइटल है मेरा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा ID इज इक्वल टू, मान लीजिए हैरी लिख दिया मैंने, मान लो लिख दिया हैरी। अब मैं हैरी से इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैं कर सकता हूँ इससे, इसको मैं टारगेट करके इसमें CSS की सारी प्रॉपर्टीज लगा सकता हूँ। CSS अगर आप लोग को आती हो तो आप लोग यहाँ पर स्टाइल टैग लगाकर CSS ऐड कर सकते हैं, उसमें मैं अभी नहीं जाने वाला, क्योंकि आप लोगों को कोशिश ये करनी है अगर आप लोग बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो एक्सटर्नल CSS कम से कम यूज़ करें, मैं ये नहीं कह रहा अवॉइड करें लेकिन कम से कम यूज़ करें, क्योंकि शायद जो आप CSS में उसमें करने वाले हैं वो ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में अवेलेबल हो। तो ये हमारी बेसिक सी सिंपल सी वेबसाइट, लेकिन एक कड़वा सच ये है कि ये सिंपल सी वेबसाइट बिना बैकएंड के एकदम बेकार है। मेरी बात का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने ये वेबसाइट बना ली तो ये सिंपल सी वेबसाइट से कोई इंटरेक्ट नहीं करता है। जो अच्छी वेबसाइटें होती हैं, अगर आप अपने आप के बारे में सोचो, आप जिन वेबसाइट में जाते हो क्या वो स्टैटिक कंटेंट सर्व करती हैं, वो डायनामिक कंटेंट सर्व करती हैं, यहाँ पर अपडेट्स होते रहते हैं, आपके पास चैट पॉपअप्स आते हैं और भी कई चीज़ें होती हैं, आप सर्च कर पाते हैं। अब सर्च करने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्म टाइप इज इक्वल टू पोस्ट लिखना है और सर्वर को पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। अब ये थोड़े एडवांस टॉपिक है बैकएंड के। बैकएंड के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो PHP सीख सकते हैं। PHP सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाइए मेरी वेबसाइट codewithhari.com पर, या फिर आप मेरे YouTube चैनल में जाइए youtube.com/codewithhari पर। उससे क्या होगा, वहाँ पर मैंने बैक
बैकएंड की अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको अलग अलग चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आप लोग की पाइथन लैंग्वेज है तो आप लोग फ्लास्क के ट्यूटोरियल चालू कर दीजिए इस वीडियो के बाद। इट्स नाउ और नेवर गाइस, आप लोग जाकर स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं फ्रंट एंड को मतलब अच्छी तरह परफेक्ट करना तो आप लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप लोग सी एस एस देखिए, जावास्क्रिप्ट देखिए। आप फ्रंट एंड में ऐसे हो जाएंगे कि अगर आपसे किसी ने कह दिया कि यार मुझे यहाँ चैटबॉक्स चाहिए, मुझे यहाँ पर ये चाहिए, वहाँ पे वो चाहिए, तो आप लोग या तो कस्टम सी एस एस से उसको ठीक कर दें या कुछ और करके उसको ठीक कर दें, आप कर पाएंगे। बेसिकली बात सिर्फ इतनी सी है। और अगर आप लोग पाइथन में करना चाहते हैं तो आप लोग मेरा पाइथन का 15 मिनट का रिविजन ट्यूटोरियल देख लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो ये वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें आप लोग देख लीजिए। इस वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में मैंने पाइथन के इंट्रोडक्शन से लेकर पूरा फ्लास्क मॉड्यूल के इंस्टॉलेशन से लेकर एकदम स्टेप बाय स्टेप, यानी कि अगर आपको कुछ नहीं आता है उसके बाद भी, फिर मैंने होस्टिंग तक इसको लेकर गया। आप लोग देखिए होस्टिंग द ब्लॉग ऑन अ सर्वर, गोडैडी से मैंने लाइव डोमेन खरीदा हुआ है, परचेजिंग अ डोमेन फ्रॉम गोडैडी। आप लोग जाएँ इसको देखें, फ्री रिसोर्स है, एक्सप्लोर करें। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का कोई डाउट होता है यार मुझे कमेंट भी करें, मैं रेगुलरली अपडेट यहाँ पर डालता रहता हूँ, वीडियोस डालता रहता हूँ। कोई भी अगर डाउट, अगर 3-4 लोगों ने भी इकट्ठा पूछ लिया कोई डाउट तो मैं उसको एज अ वीडियो बना देता हूँ। जैसे कि एक डाउट है, नो मॉड्यूल नेम माई एस क्यू एल डी बी, तो क्या होता था कि लोग मुझे कमेंट करते थे और मुझे पर्सनली बोलते थे कि यार ये एरर आ रहा है, ये एरर, मैंने वीडियो बना डाला। कोई बात नहीं, 164 व्यूज़ है सिर्फ। अगर ये 164 तो बहुत हो गया यार, अगर 10 लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। खैर मैं टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूँ, बेसिकली मैं बूटस्ट्रैप पे वापस आता हूँ। बूटस्ट्रैप में आपको सिंपली करना ये है कि आप लोग को धीरे धीरे इसके सारे कंपोनेंट्स को समझना है। जैसे ब्रेड क्रम है, क्या करता है, नेविगेशन के बारे में बताता है। देखो आप होम में हो, होम के बाद लाइब्रेरी में आए, लाइब्रेरी के बाद डेटा में, आप इसको कहीं भी लगा सकते हो। अब क्या है कि अगर मान लो आप फ्लास्क देख रहे हो या फिर मान लो आपको फ्लास्क नहीं लगा, अच्छा आप लोग पीएचपी में जाना चाहते हो, आप लोग जा सकते हो पीएचपी में भी, कोई इशू नहीं है। पीएचपी में जाने के बाद बेसिकली आपको करना क्या है, पीएचपी से इस कंटेंट को डिलीवर करना है। उसके लिए आपका जैम काम कर रहा है, कैसे क्या करना है बताया हुआ है मैंने अपनी लर्न पीएचपी इन वन वीडियो वाली वीडियो में। तो लर्न पीएचपी इन वन वीडियो आप लोग जाकर देख लो, अगर आप लोग को थोड़ी सी भी अगर आपको लगता है कि आपको पीएचपी सीखनी चाहिए। मैंने एक वीडियो में सिखाई हुई है एकदम फास्ट पेस कंटेंट, जैसे कि आपने ये बूटस्ट्रैप देखा, आप लोग बैकएंड भी देख सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि यार ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और मैंने कोशिश की है कि आप लोग को मैं सारा बूटस्ट्रैप सिखा दूँ, लेकिन जो कड़वा सच है वो ये है कि कोई भी आपको एक वीडियो में पूरा पाइथन, पूरा बूटस्ट्रैप, पूरी पीएचपी, पूरी जावास्क्रिप्ट एक वीडियो में क्या, एक पूरी ट्यूटोरियल सीरीज में भी नहीं बता सकता। और आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। अगर एक आदमी 8 साल प्रैक्टिस करता है और एक दूसरा आदमी 8 घंटे का भी वीडियो देख ले तो वो उसके बराबर नहीं आ सकता, जब तक आप खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आलस को त्यागिए, जाइए, मेरी वेबसाइट है codewithhari.com, मेरा यूट्यूब चैनल है, और भी बहुत सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं। आप लोग गूगल पे सर्च नहीं करते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आप लोग सर्च करें गूगल पे, कोई भी प्रॉब्लम है गूगल आपका सबसे बड़ा साथी है। यूट्यूब पे सर्च करें, अगर कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई हुई है तो आप लोग दूसरे क्रिएटर की वीडियो देख सकते हैं। और इस तरह मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें, कोई अच्छी रिसोर्स हो तो मुझे भी कमेंट करके बताएं, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। और कोई डाउट हो तो यार कमेंट करके ज़रूर पूछना। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, नया प्लेटफॉर्म मैं बना रहा हूँ codewithhari.com, और उसको मैं बूटस्ट्रैप 4 में बनाऊंगा। उसमें यहाँ पर साइनअप का बटन होगा और उस पर आप साइनअप करेंगे तो उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा, आप लोग का पर्सनल डाउट सॉल्विंग से लेके और एडिशनल जो चीट शीट वगैरह होती है और नोट्स होते हैं वो सब अपलोड करूँगा। तो ज़रूर आना यार, और इस चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब अगर, तो यार मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसने ये वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो अगर आप भूल गए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के और वीडियोज़ आने वाले हैं। इस वीडियो को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी यार कि फ्रंट एंड सिखाइए, हरी भाई फ्रंट एंड सिखाइए, हरी भाई ये नहीं आता, हरी भाई वो नहीं आता, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि अगला वीडियो अगर आप फ्रंट एंड से देखना चाहते हैं वो क्या होगा, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। ये तो एक बात हो गई। एक चीज़ मैं जो बताना भूल गया यहाँ पर, वो ये है कि जो बूटस्ट्रैप है वो एक पूरा मेजर रीराइट है, पूरे प्रोजेक्ट का पूरा मेजर रीराइट है। यानी कि अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं 3 से 4 में तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप 4 इज़ अ मेजर रीराइट ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट। यानी कि अगर आप 3 से 4 में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने 3 इंक्लूड की हुई है, मैं 4 इंक्लूड कर दूंगा ना अगर इसमें अपनी वेबसाइट में, पूरी खचर पचर हो जाएगी। तो इसलिए आपको बूटस्ट्रैप 4 की, लेकिन फंडामेंटल्स वही हैं, ग्रिड सिस्टम सबसे बड़ी बुनियाद जो बूटस्ट्रैप की वो सेम है। फिर उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। मैं नहीं कह रहा हूँ इसको याद करो, इसको याद करना ही नहीं है, याद करोगे आप अगर तो अच्छी चीज़ें भी हैं याद करने के लिए, वो याद करो, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स याद करो, मैथमेटिक्स याद करो, स्टैटिस्टिक्स याद करो, ये सब याद मत करो, ये सब आप देखो आराम से, और आप देखना करते 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 आपको याद हो ही जाना है। अब जैसे ये है, मैंने ये आपको नहीं बताया,
आप लोग इसको कॉपी करके एक्सप्लोर करें, आप लोग देखें यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू अलर्ट और अलर्ट सक्सेस देने से ऐसे आता है, और रोल इज इक्वल टू अलर्ट नहीं लिखें तो क्या होता है आप लोग खुद करके देखें, और डिसमिस करने से क्या होता है, आप डिसमिसेबल डाल देंगे तो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये सब चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं। फिर जावास्क्रिप्ट का वीडियो देख के आप जावास्क्रिप्ट के ट्रिगर्स लगा सकते हैं जावास्क्रिप्ट के बीचों बीच, तो ये सब मैं चाहता हूँ आप लोग खुद एक्सप्लोर करें। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे बैकएंड की वीडियोस को एक्सप्लोर करें इस वीडियो के बाद, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।